She's like our Indian Kardashian. No, please. Kardashians have still done something. Like, they have a good sex tape out. Like, we do an annual thing on the channel. It's called Langot Mein Visfot Awards. What? In her voice, there was a lot of kashish. Kashish. लड़कों के लिए तो अगर तुमने आर्ट्स लिया तुम गे हो भाई. यू आर अ मिक्स ऑफ बंगाली, यू कम फ्रॉम भिलाई एंड यू हैव अ रशियन यूक्रेनियन हेरिटेज. सो इट्स लाइक दैट्स व्हाट दे वांट टू सी ऑन द टेलीविजन. एंड बैक इन द डे यार, फेयर एंड लवली किसने नहीं लगाई? मेरे डैड यूज करते थे. यार आई यूज्ड इट यार, फेयर एंड हैंडसम आने लगी थी यार. वो एक कैरेक्टर होता है ना जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट होता है, वो पहले मरता है. वो थी इतनी बुरी पिक्चर है ना वो सुजैना, मैं बता रहा हूँ हमारे को उसकी पायरेसी भी नहीं मिली. यू हैवंट हर्ड अबाउट इट? नो, नोबडी हैज हर्ड अबाउट इट, ओनली मिमो. And we gotta do it something like this. Hi Susanna, welcome to the podcast. It was a last minute call and thank you for showing up. I was like, yaar, we've been sharing so many memes. We literally talk in memes, right? Yeah, I just said, no, we have a relationship. If we have no other relationship, it's a relationship. It's not even a friendship. Yeah. So yeah. Right. Anyway. So I was like, it would be fun to sit and chat with you because you have a very interesting background. I was reading up on you also. You did roadies also. तूने मुझे पहले बताना चाहिए था. I would have never called you. बहुत मतलब I think it was it feels like another lifetime now. This was like जब हम सब बच्चे थे. आपको in fact तो याद भी होगा. तब तो in fact roadies ठीक ठाक भी होता था. This was like I think fifth or sixth season of roadies that I did. Sixth season. Yeah. Sixth season. Tell us about it. How did you go about it? Like what made you think that we should go for road? You should go for roadies. I'll tell you what. I came to Pune. This was 2008 end. And 2009 में मेरा जो बॉयफ्रेंड था उस वक्त, ही वॉज मैड अबाउट रोडीज एंड आई हैड नो क्लू. मैंने जिंदगी में रोडीज देखा भी नहीं था तब तक. और मैं बहुत ही स्टूडियस बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं तुमको बाद में बताती हूँ. आई कम फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़. तो मैं पूना में सिम्बायसिस में मेरा एडमिशन हो गया था एंड मैं वहाँ पढ़ने आ गई. एंड माई बॉयफ्रेंड एट द टाइम एंड हिज फ्रेंड्स दे वर क्रेजी अबाउट दिस शो. और मुझे याद है इन लोग टिकट करा के दिल्ली गए थे ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि बाकी सारे जगहों के बैंगलोर चंडीगढ़ के ऑडिशन हो चुके थे और सिर्फ दिल्ली और फिर बॉम्बे बचा हुआ था. एंड व्हाट हैपेंड वाज उसी साल, दिस वाज 2009 और 2008 आई एम नॉट इवन श्योर येट, बट उस साल दिल्ली में हो गए एज यूजुअल दंगे इन द मिडल. और वो पूरा उनका जो ऑडिशन प्रोसेस था उन्होंने सब कैंसिल कर दिया. और उस साल के लिए सिर्फ उन्होंने इन दो लोकेशंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म बना दिया एक, जिसमें आप अपनी फोटो डालते हो. वो जितने भी ऊटपटांग क्वेश्चनियर्स होते हैं उन्होंने ऑनलाइन ही डाल दिए थे. सो यू बेसिकली आंसर दोस, आप उनका जवाब दो और आप उनको भेजो. और ये लोग सब मेरे हमारा जो फ्लैट बेसिकली मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करती थी, वहां पे आके ये सारे अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं. मुझे ऐसे ही बोला तू भी फिल कर दे. अरे क्या है? एंड मैंने क्वेश्चंस पढ़े, मजेदार क्वेश्चंस थे, लाइक अदर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चंस. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चंस वर, बट दे वर फन टू आंसर एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट लेट मी आंसर देम. एंड देन आई वाज द ओनली वन हु गॉट अ कॉल बैक फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड फॉर द इंटरव्यू. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि रोडीज होता क्या है तब तक. तो मैंने आई थिंक उस चक्कर में मैं आई थिंक देयर वाज नो फियर ऑफ व्हाट आई वाज लूजिंग बिकॉज ऑफ व्हिच आई केम अक्रॉस वेरी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एंड आई गॉट सिलेक्टेड. एंड वंस आई गॉट सिलेक्टेड मैंने जाके वापस देखा कि है क्या. और तब आई वाज लाइक व्हाट हैव आई गॉटन माइसेल्फ इनटू, मतलब ये तो गड़बड़ हो गई. बट या इट वाज फन. मैं ज्यादा टाइम लाइक आई वुडंट से मैं बहुत ज्यादा टिकी उसमें. आई थिंक आई वाज समवेयर इन द मिडल आई गॉट वोटेड आउट. और मैं टिक भी इसलिए रही थी क्योंकि तब तक इम्यूनिटी थी. एक बार इम्यूनिटी खो गई मेरी और मुझे निकाल दिया सालों ने. सो या बट यू डू रियलाइज दैट दे टुक यू बिकॉज़ यू लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स. आई लुक्ड एंड आल्सो आई थिंक आई परफॉर्मड. माय ऑडिशन वाज रियली कूल आई थिंक एज कंपेयर्ड टू द अदर ऑडिशन. देयर वर फ्यू अदर वेरी कूल ऑडिशंस बट माय ऑडिशंस वर वेरी कूल. एंड उसमें भी मुझसे गालियां दिलवाई थी हर लैंग्वेज में. तो मुझे पांच उसने भी का क्या मतलब होता है? मैं तो गालियां थोड़ी दिलवा रहा हूं. स्टार्टेड विद दैट कन्वर्सेशन बट दैट इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई कर्स्ड. एंड आई कर्स्ड इतना कि मतलब रघु के कान से खून निकल आया था. उसने लिटरली मुझे बोला प्लीज बहन चुप हो जा. हो गया, थैंक यू. मुझे समझ आ गया तुझे गालियां आती हैं. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड. या so that time Raghu, Ranvijay and Rajiv were there all or only Raghu hota ha Raghu aur Ranvijay were there. So that was the first year when Rajiv came as well. उसके पहले तक रघु अकेला करता था और वो पहली बार दोनों भाई एक साथ आए थे. तो it was quite a surprise for us also when we went into the audition and we were like ये दो दो कहाँ से आ गए types.
लाइक हाफ ऑफ अस डिडंट न्यू, एंड जो हमारे से पहले गए थे उन्होंने बोला यार दो दो है, उसका भाई भी है, उसका भाई भी है, तो सडनली वो ऑडिशन रूम में सबको दो दो लोग हैं अब, यू नो, सो इट वाज क्वाइट इंट्रीगिंग फॉर अस एट द टाइम, बट इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट दे केम टुगेदर. Both the brothers. What happened with that boyfriend? I mean, uska sapna tere through sach hua. You went to Rodi. Sir, what happened to that relationship right after? Aaj tak kosa, we are still friends. We are partners also in our business in After Studio. Right. And yeah, he was quite us time pe, kyunki maine uska ek answer change karwa diya tha. Mujhe laga tha ek question ka answer usne bahut zyada radical likh diya tha. And I was like, यार ये मत लिखो, आज तक बोलता है तूने जो मेरा आंसर चेंज करवाया था उसकी वजह से मेरा you knew it. You knew it, या गधा है इसको मैं जो बोलूंगी वो कर देगा, और सिलेक्ट नहीं होगा. और मैंने बेसिकली पत्ता काट दिया उसका, उसको पता भी नहीं चला. So you were there for about what, 1 month or 2 months? How does the format function? मतलब चलता कैसे है शो? सी वहां पे क्या होता है, तीन दिन की हमारी जर्नी बेसिकली एक एपिसोड में दिखती है लोगों को. सो एक दिन लगता है पूरा आपको जर्नी करने में, जहाँ बाइक से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, एंड इट्स यूजुअली एटलीस्ट एन 8 to 10 hour ड्राइव राइड. सो उस दिन तो कुछ होता नहीं, आप बस एक जगह से निकलते हो, अपना सामान वामान उठा के दूसरी जगह पहुंचते हो, वहां सेटल करते हो, जहाँ पे भी होटल है तो होटल, नहीं तो तंबू है तो तंबू, जहाँ पे भी जगह मिली मतलब वैसा तुमको सेटल करवा देते थे. फिर अगले दिन होता था तुम्हारा मनी टास्क, या there used to be one task which would be money task, और या तो उसी दिन रात को तुम्हारा इम्यूनिटी टास्क होगा या तो अगले दिन इम्यूनिटी टास्क होगा, और उसी रात को तुम्हारा वोट आउट होता था. और वोट आउट के पहले सबकी वीडीज होती थी, वीडियो डायरीज, जो जिसमें सबको बेसिकली आप सबका जो इंटरव्यूज आप बाद में एडिट करके दिखाते थे ना, जिसमें आप अपनी सारी बातें बताते हो क्या हुआ, सारी डिस्क्रिप्शन देते हैं. तो वीडियो डायरीज पूरा उसी दिन शूट होती थी वोट आउट के जस्ट पहले, एंड फिर वोट आउट के बाद जैसे ही जो भी वोट आउट हुआ वहां से ही सीधे आपको एस्कॉर्ट करके लेके जाते हैं जहां से भी आप हो वहां. सो तीन दिन के स्पैन में एक जगह कवर होती थी, जिसमें दो टास्क होते थे और एक तुम्हारा ट्रैवल हो गया. एंड या दिस वाज इट. मैं तो पिलियन राइडर थी, मुझे तो तब आती भी नहीं थी, मैंने बाइक राइडिंग करनी बाद में सीखी आके, बिकॉज फिर मुझे ऐसे मतलब हो गया कि यार ऐसे कैसे सब रोडी रोडी बोल रहे हैं. मुझे बाइक मतलब टू व्हीलर चलाती थी बट बाइक कभी जिंदगी में चलाई नहीं थी. सो या उसके बाद आके फिर सीखी थी मैंने. सो दिस वाज बैक इन द डे व्हेन रोडीज यूज्ड टू बी अबाउट राइडिंग, नाउ इट्स ऑल अबाउट बाइक, राइट? द मोर यू कैन गो द बिगर स्टार यू आर. आई हैव हर्ड देयर आर नो बाइक. नहीं है बाइक्स को भूल गए, रघुराम को भूल गए, बाइक्स को भूल गए, रणविजय को भूल गए, पता नहीं कौन कौन आके बैठे हुए हैं वहां पे. यू हैव, आई एम टेलिंग यू, MTV has a slate of recyclable talents, faces, right? I would rather say faces, not talents, I'm sorry. Yeah. So what happens is they recycle that those faces in every show. Splitsvilla में भी तुम्हें वही दिखेंगे. और ये साले तीन तीन साल से शो कर रहे हैं. सबकी उम्र 25 साल ही है, 3 साल से. Everybody is 25 years for the past 3 years. There's a guy who visibly looks 37, 38 and he says, I'm 28. I'm like, why would you do this? I don't think right? the background check होता भी है वहाँ पे. मेरे हिसाब से तो कुछ भी yeah, नहीं the होता. The whole point is, अब इनके लिए ना एक what I think is, I mean probably you would know better since you've done this, I think इनके लिए एक legacy product बन गया है. The first 5 seasons were so good for MTV yeah. that they wanted to keep pushing more and more money into it every year hmm. and it has been going on since what, like 15 years now. You were in the 6th year of it, yeah, right? yeah this was 2009, I'm telling 2009. you. 2009 how old were you when in 2009? 18 19 barely, like yeah, very young. Okay. very young yeah exactly, because that's what I'm thinking. Jo online tumhe form diya hoga bharne ke liye, that time internet was not this big at as it is right now, right? It was not that big. We were just coming out of school. No, but we had, because hum already laptops pe presentations banane lag gaye the. To aisa nahi hai, thoda bahut tha, but Google was not as what it is today for sure. And ज़्यादा कुछ नहीं था. Yahoo chat rooms थे, I remember. We had Yahoo. Like जिसमें तुम. Those were so notorious. I swear. You remember those? Oh God. Yeah, the coolest ones were always spelled wrong. और उसके पहले वाले याद है जिनकी आवाज आती थी,
एक पर्टिकुलर मिनट तक एक पूरा ओपेरा चलता था उसका अलग ही. सो यू कुड एक्चुअली तुम खोलते थे और यहाँ पे चैट रूम्स होते थे. सो यू वर एक्चुअली अलाउड टू एंटर एनी चैट रूम एट एनी गिवन टाइम. यस यस. एंड देन देयर वर साउंड चैट रूम्स वेयर यू कुड हियर डिफरेंट पीपल टॉकिंग हु यू डोंट नो, लाइक यू कुड हियर देम. एंड देन किसी की आवाज पसंद आ जाती थी तो उधर क्लिक करके बात करने लग जाओ. ऐसा भी होता था. आई मेट डॉक्टर. इनफैक्ट आई वेंट ऑन अ डेट विद समवन आई मेट ऑन अ चैट रूम. लाइक आवाज तो बड़ी सही है. जब मिली तो आई वाज लाइक नो. But yeah, how did that happen? Tell me about it. Tell me how did that happen? How did you pick that guy out of like a million random guys that you can't see? Because A, he was a doctor. He was like, he has just finished MBBS. I thought doctor hai to padha likha to hai at least, you know. And आवाज बहुत अच्छी थी उसकी. आवाज में बहुत कशिश थी उसके. एंड ही वाज मेकिंग सेंस आउट ऑफ ऑल दोस स्ट्रेंज. लाइक आवाज अच्छी थी उसकी. लाइक ही कुड इजीली बी ही गॉट पोएटिक विद दिस. एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट एक्चुअली आई थिंक फ्लोट्स माय बोट. आई थिंक है ना, आवाज अच्छी हो, अच्छा अच्छी खुशबू. खुशबू तो खैर यू कांट टेल एनी हाउ चैट रूम्स. दैट इज दैट फॉर दैट यू हैव टू मीट. बट या एंड देन वी एंडेड अप मीटिंग आफ्टर अ मंथ और समथिंग. बट द मीटिंग वाज क्वाइट बोरिंग एक्चुअली. Like he was much better in my imagination, I think, than what he was. But this reality. Usually used to happen. You remember those days when we used to have those SMS packs, जिसको top up कराना पड़ता था 30 रुपए में 300 SMSs. Yes. Have you done that? Yes, yes, of course. I think all of us have done those prepaid. अभी postpaid की वो बहुत time हो गया. पहले तो सब वैसे ही होता था. And फिर there was this friends. का होता था कि इसमें चार पांच नंबर दो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता था एक दूसरे को और मैसेजेस फ्री हो जाते थे. सो देयर वाज क्वाइट अ लॉट बिकॉज एट वन पॉइंट ये सब चीजें महंगी होती थी और स्टूडेंट्स तो हमारे पैसे तो कब कहाँ खर्च हो जाते थे. 15 तारीख के बाद तो इट वाज लाइक देखते रहते थे कौन ज्यादा अमीर है हम सब में. मतलब इस महीने कौन ज्यादा. I had friends who could actually hold their phones in their hands and not look at the keypad and still type messages. You remember those 1 2 3 करके X आता था, Y Z आता था. No. So school में वो लेके sneak in करते थे phone and they used to message their friends from those Nokia phones. People were so savvy in doing all of this back in the day. Now I think that we probably are the first generation who would have seen this. Like my kid would never see it, right? they would never even understand what I'm talking about. Yeah. Those were the days, right? Yahoo chats, like that's so what the f- was Yahoo chat, right? It was so unsafe. You could actually meet up anybody and they will kill you and nobody would get to know. Exactly. Yeah. And also Nokia se yaad aaya, do you remember Snake, that game? I think that is the only thing I remember. We were all so addicted to it at one point. वो सारा दिन वो snake खेलते रहते थे हम उसपे. But anyway, and recently I was home and I was visiting my family और मैंने अपने छोटे nephew को he's about 6-7 years old maybe और मैंने बोला तुम्हें पता है मैं Google से भी ज़्यादा पुरानी हूँ. तो ऐसे देखने लग गया. उसको लगा गूगल से पुराना कैसे हो सकता है कोई इंसान. मतलब गूगल तो उनके लिए ऐसा है कि गूगल तो सब कुछ है. लाइक द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज गूगल. You remember the computer labs if you had them in your school? Of course. They used to make us take our shoes off and enter the computer lab. Yeah, computer labs. तुम्हारे में भी जूते उतरवाते थे? जूते तो नहीं उतरवाते थे हमारे यहाँ. बट साइबर कैफेज होते थे हमारे टाइम पे. मुझे याद है एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर के बीच देयर वाज दिस थिंग कि हम साइबर कैफे में हैंग आउट करते थे क्योंकि वही पूरी रात खुले रहते थे जहाँ पे आप सस्ते नशे कर सकते हो, अपना स्कूल खेल सकते हो, यू नो टीटी खेल सकते हो. तो वैसी जगह होती थी साइबर कैफे के आसपास जो हैपनिंग होती थी पुणे में. आई रिमेम्बर. सो यार वो बट इट फील्स लाइक अनदर लाइफ टाइम नाउ दैट इवन recollecting all these memories and rethinking about them. It's just crazy. अभी तो सोचो. अरे I used to go to a cyber cafe with my friends to watch porn and my father used to go to the same cyber cafe और वहाँ वाले अंकल ने ना मुझे porn देखते हुए पकड़ ले जबकि वो साला खुद भी देखता था. तो and he told my dad about it. So I still remember a very awkward conversation going between back and forth between I and my father. He was like कि मैं इसको क्या बोलूँ और मुझे पता था कि वो कुछ बोलने वाले हैं और इसी चीज कंटेक्स्ट में होने वाला क्योंकि मुझे पता लग गया था कि मैं पकड़े जाने वाला हूँ. So, साइबर कैफेज वॉज वन टाइम और वो ज्यादा बहुत लंबा नहीं था. 2 या 4 या 5 साल के लिए साइबर कैफेज थे. लेट्स से फ्रॉम 2007-8 एंड इट वेंट अप टू लाइक 2011
2012 onwards, we had internet access like almost in every room, at least in tier 1 cities. In fact, for me, 2009 se hi, I think maine uske pehle cyber cafe use ki honge, but I don't remember, I think, using a cyber cafe for anything for that matter, post 2009. Right. Roadies ke aas paas. Print out nikalne wagera jaate the log. Haan, exactly. So, print out nikalne ke liye jaate the, varna wo bhi nahi. Agar kisi ke ghar pe printer hai, to fir ho hi gaya kaam. But yeah, so Pune was quite something. I think pehli baar tha jab main Bhilai se chuti thi, you know, it was like the first time I felt independent in my life. So when did you leave Bhilai and come to Simbi, and then you wanted to do then you got into roadies, right? Just tell me this transition, how did this happen? Okay, so I'll have to rewind a little bit. So I come from Bhilai, and let me give you a little bit of setup of what Bhilai is. तो कुछ दिन पहले आपने आर्चीज देखा था, राइट? एंड यू वर लाइक, अब रिवरडेल टाइप की एक तो जगह होती नहीं है, और क्या दिखा रहे हैं, इट्स नॉट रिलेटेबल. ग्रोइंग अप, दैट इज 90s एंड इवन 80s, ऑल्दो 80s मैंने देखा नहीं है भिलाई का, बट मैंने सुना इट वाज कंप्लीटली रिवरडेल. एंड द रीजन फॉर इट वाज भिलाई स्टील प्लांट वाज एट दैट टाइम कंस्ट्रक्टेड एंड रन बाय रशियंस. तो वहां पे एक रशियन कॉम्प्लेक्स था जिसमें कुछ 5-6 हज़ार रशियंस रहते थे, और हमारा घर था वहां से 5 मिनट दूर. और वहां पे लिटरली आप ऐसे साइकिल में घूमते थे, वहां पे टेनिस कोर्ट था, वहां पे स्केटिंग कोर्ट था. एट दैट टाइम, यू नो, व्हेन ऐसी छोटी जगह पे ऐसी चीजें होती ही नहीं थी. वन ऑफ द रीजंस दैट आई हैड दैट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग वाज बिकॉज ऑफ रशियन कॉम्प्लेक्स. आई लर्न स्विमिंग, आई लर्न स्केटिंग, आई लर्न टेनिस, आई लर्न ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड इट वॉज लाइक अ मिनी गोवा, बिकॉज ए भिलाई वॉज a city that was formed around that steel plant. So it was mostly educated people who were brought in to run it, engineers and workers who were brought in to run it. Because uske pehle wo jungle thi puri jagah. Aur fir Russians the. To wahan pe ek bahut hi closed community wala vibe tha, full Riverdale vibe thi. And that's why I think I was so protected. Kyunki main jab Pune aayi, I remember the first time someone said MC in front of me. I had never heard that word. Forget about knowing what it means. I had never heard that word and I was 17. मतलब मैं embarrassed हो गई थी थोड़ी सी उस time पे. तो और लगता है कि, you know, like मैंने mofo शायद सुना भी था, क्योंकि तब तक थोड़ी बहुत English फिल्में देखी हुई थी, तो वो सब English में गालियां समझ में आती थी, but हिंदी में सुनी ही नहीं थी. Because बहुत ही सभ्य और वैसे ही टाइप के लोग थे वहां पे. अगर लड़ाई भी करते थे तो बच्चों के सामने, लाइक कभी नहीं करते थे. Although my dad had a very bad temper, but I never heard him abuse ever in my life till date. So waisa mahol tha, and I came from there. Then I'm, as you know, my mom is Russian Ukrainian, my dad is Bengali. And bachpan se hi, although main acting nahi karti thi, lekin bachpan se hi performing arts ka bahut shauk tha. Dance karti thi, music seekhti thi, likhti thi. I used to compare all the events and shows in my school and host them basically. So wo sare shauk the. And then when I came to Pune, I got through BCom. Basically, मैं science student थी, but मुझे engineering करनी नहीं थी. और and Bhilai is basically like the Kota of Chhattisgarh. वहाँ पे पूरे जगह से, पूरे गांव से, आजू बाजू से लोग आते हैं ये सारे competitive exams के लिए, पढ़ाई करने के लिए. Right. So वहाँ पे सिर्फ दो ही professions है. अगर आप थोड़े भी पढ़ाई में अच्छे हो तो आप तो या तो doctor बनते हो, या तो MBBS crack करते हो, या तो आप अपना engineer बनते हो, IIT crack करना है. So, because I didn't want to do either, and I had no clue when I passed out, because tab tak main science pad rahi thi, and I was good at it. It was not like I scored very bad. It was not great also. I think kuch 84% marks aaye honge 12th mein, CBSC mein. But it was not good enough for the best colleges at the time. And it was not bad ki bhai arts le lo ya kuch le lo. Tab tak to arts gaali hoti thi. I'm sorry, but mere wahan pe to matlab literally, matlab jo sabse faltu ke bacche hote the, jinko padhai mein man nahi lagta tha, home science le lo ya arts le lo, it was like the same thing. ladkon ke liye to agar tumne arts liye, tum gay ho bhai. Maine to arts isi liye nahi liya tha ki mere ko bolenge main. Yeah. I don't know what is it at that age. I think they say, you know, girls like bad boys, because मैं A section में थी, because वहाँ पे तो बहुत disparity थी. हाँ, मतलब तुम्हारे marks के हिसाब से section मिलते थे, तो A में सबसे ज़्यादा marks वाले बच्चे, B में उससे कम, C में. और मेरा बॉयफ्रेंड था F section का, जो last वाली section का, जो एक लड़का पसंद आया high school में, वो था F section. So my dad used to hate him, and then yeah, फिर तो मैं पुणे आ गई. और फिर या देन दैट्स वेयर बेसिकली आई देन यू गॉट इनटू सिम्बी. नो यू व्हाट डिड यू स्टडी एट सिम्बी? आई डिड बीकॉम.
there. Oh, right. And while I figured what to do, and फिर देखते देखते BCom खत्म हो गया, फिर मैंने MBA भी किया, but MBA मैंने IIPM से किया, because इस बार I was like कि boss मेरे को और भी Please don't mention it. अगर तुम्हें आज भी लगता है ना कि तुम IIPM गई और तुम्हें असली की डिग्री मिली और तुमने असली की पढ़ाई करी है, तो नहीं, please stop lying to yourself. Listen, I got through SIIB and मैंने एक हफ्ता वहाँ पढ़ाई की and मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया, because एक तो वहाँ ragging as in वो वाली रैगिंग होती थी जहाँ रोज तुमको साड़ी पहन के जाना होता था, एंड मेरे से वो जेन्युइनली नहीं हो पा रहा था. तो मुझे ये फाइनेंस की पढ़ाई नहीं करनी थी, मैं कर भी रही थी बिकॉज माय डैड इज बंगाली, एंड हमारे होता है कि मतलब पहले डिग्री खत्म करो, उसके बाद जिंदगी में जो करना है करो, बट पढ़ाई पूरी खत्म करो, एंड सिंस यू आर कंफ्यूज्ड, बंगाली नो, बंगाली या सो रादर एटलीस्ट एमबीए कर लो, यू नो, कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगी, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगी. तब तो ऐसे ही मानते थे, राइट, कि मतलब पढ़ाई हो गई तो पता है तुम्हारा, एज इफ कोई जॉब सिक्योरिटी आने वाली उस एमबीए की डिग्री के साथ. तो मैंने एक हफ्ता पढ़ाई की संबी में, एंड देन आई लेफ्ट. और फिर क्या हुआ, उन लोगों ने गलती से अनाउंस कर दिया, ऐसा पहले नहीं करते थे वो लोग. एक हफ्ते बाद उन्होंने किया कि जिनको भी ऐसा लग रहा है दैट दे हैव सेकंड थॉट्स अबाउट दिस कॉलेज एंड अबाउट दिस कोर्स, यू कैन टेक अवे योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. बस तुम्हारे 5,000 या 6,000 कटेंगे और बाकी पूरा इंस्टॉलमेंट वापस दे देंगे तुम्हें, बट यू विल हैव टू रिपोर्ट टुडे. आई वाज द फर्स्ट वन स्टैंडिंग एट द डोर, लाइक पैसे दो मेरे, मैं जा रही हूँ. और इमीडिएटली मैंने आई थिंक पॉल विंटर वाले कोर्स ज्वाइन किया IIPM में, बिकॉज़ आई वांट टू परस्यू माय हॉबीज. आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू डू अदर थिंग्स, एंड आई जस्ट वांटेड टू चिल बेसिकली. आई न्यू आई डिडंट वांट टू लाइक डू अ रिगरस कोर्स. मैं पढ़ाई कर करके थक चुकी थी तब तक, और मेरा हो गया था पढ़ाई से, मुझे बस नाम के लिए डिग्री चाहिए थी जो IIPM दे रही थी, लैपटॉप भी दे रही थी. वो सेम गाय ना, वो चोटी बना के था अरिंदम चौधरी, अरिंदम चौधरी, अरिंदम चौधरी. हां भाई, क्या स्कैम था वो, क्या स्कैमस्टर था. ही वाज इन बेड, नहीं, ही वाज, he got Shahrukh Khan also, no, to advertise IIPM. There was a point. Aray, Shahrukh Khan was showing up in IIPM. It was huge. Usne un logon ne movies bhi produce ki thi, itna paisa banaya tha. Mithya karke ek picture aayi thi un dauran, agar yaad hogi. Despite a cult film at the time, they, right, Arindam had produced it. And then he completely, his bubble got burst and he disappeared, right? Yeah, yeah. Does the university still exist? No, no, it doesn't. In fact, बहुत लोगों ने उनको उनके ऊपर केस कर दिया है students. So you went to a university that does not exist anymore. So I have a degree and everything, but it doesn't exist anymore. So बट वहां पे आते भी पता ऐसे ही लोग थे जो बहुत या तो अमीर होते थे या तो जिनको अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना था, जिनको बेसिकली चिल करना था एमबीए करते हुए. वहां कोई ऐसे सीरियस जॉब करने वाले आते भी नहीं थे. So, वो उस टाइम का एमिटी था ना, वो उस टाइम का एमिटी, शारदा, गलगोटियाज, ये सारा था ना. एग्जैक्टली. एंड या, और उसी दौरान फिर मुझे, बिकॉज मैं ऑलरेडी रोडीज कर चुकी थी, तो मुझे ना ऑडिशंस के ऑफर्स आने लग गए थे. तो तब तो सेल्फ टेस्ट वगैरह होता नहीं था, तो बॉम्बे जाके ऑडिशन देना होता था. तो मेरे कुछ बॉम्बे के दोस्त बन गए थे संबी से, तो मैं वहां से वीकेंड्स पे जाती थी, अपना यार 5 दिन पढ़ाई करती थी, चिलविल करती थी, फिर सैटरडे संडे भागती थी बॉम्बे, एंड देन ऑडिशन करती थी. और उस दौरान तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, वेदर इट वाज द जोश दैट आई हैड, क्योंकि इतना अगर दूर जा रही हूँ तो कुछ करके ही आना है हर बार का. तो लिटरली 50% टाइम्स ऑडिशंस क्रैक भी हो रहे थे. और पैसा, मतलब मैं कितनी भी अच्छी जॉब मिल जाए शुरू में तुम्हें, स्पेशली IIPM से MBA करने के बाद, आपको पर डे 50,000 नहीं मिलते. एंड दैट वाज व्हाट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन, यू नो, एड्स में तो बहुत, अभी आई थिंक इतना पैसा नहीं मिलता है स्पेशली स्टार्टिंग में. इनफैक्ट यूजुअली द एवरेज इज 30,000 to 40,000 फॉर नॉर्मल पीपल, एंड दैट इज इफ इट्स अ गुड बजट, नहीं तो उससे भी कम. लोग को तो आजकल 5,000 में भी एक्टर्स मिल जाते हैं पर डे पे, सुना है मैंने. बट उस वक्त मतलब सीधा 50,000, 1,00,000 एक दिन के काम के लिए. So I was like, मैं घंटा कोई जॉब करूंगी, मतलब 30 दिन घिसाओ अपनी, ताकि तुम मतलब उतने पैसे लेकर आओ, यहाँ एक दिन काम करके मिल जाते हैं मुझे उतने. सो आई काइंड ऑफ स्टार्टेड बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट. इनिशियली इट वॉज अ फाइनेंशियल थिंग ऑफ कोर्स, बिकॉज आई वॉज डेफिनेटली, एंड आई वॉज एंजॉइंग इट. माई फर्स्ट एवर एड फिल्म वॉज विद सुजीत सरकार. Some great directors were making ads at the time, and you know, you were getting to meet such amazing filmmakers through that. So yeah, it started like that. तो मैं MBA कर रही थी, अपना auditions दे रही थी side पे, and once MBA got over, फिर मैं full time अपने एक दोस्त के साथ shift हो गई, and then yeah,
in Bombay for some time before I found my base and everything. क्योंकि तब तक तो पता भी नहीं होता है आपको कि आप कहाँ क्या कर रहे हो. आराम नगर क्या है, जहाँ पे सारे ऑडिशन होते हैं, यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है आराम नगर, जहाँ पे सारे सारे हमारे जैसे निठल्ले आके शुरू में, मतलब हर कोने में एक ऑडिशन चल रहा होता है किसी ना किसी का. हर कास्टिंग डायरेक्टर वहीं से शुरू करता है, हर एक्टर वहीं से शुरू करता है. इट्स लाइक अ इलीगल लैंड इन बॉम्बे that is now working as the casting capital of the city, casting center of the city basically. Do you remember your first ad film? Again, I am telling you, it was directed by Shujit Sarkar. Right. And although I'm not very proud of it anymore, it was for Fair and Lovely. So, yeah. That's why you were casted in that. Do you think I was talented at that age? No, I was a dancer. I'm not an actor. Why do you think you got into roadies? Because you look different. Because you're so fair, and you are a mix of Bengali. You come from Bhilai, and you have a Russian Ukrainian heritage, right? Yeah. So it's like that's what they want to see on the television. Yeah, and I thought talent, but yeah, now I know it wasn't. It wasn't. And anyway, so that was with Shujit Sarkar. And मुझे याद है हम लोग की एक दो दिन की शूट थी, एक दिन बॉम्बे में थी और एक दिन थी मनाली में. और मनाली में भी इसलिए क्योंकि एक एक्सटीरियर शॉट लेना था कि मैं मनाली के घर में जा रही हूँ और इंटीरियर ऑब्वियसली बॉम्बे में शूट कर चुके थे उसके पहले. एंड दैट वॉज सो मच फन, ए बिकॉज यू आर गेटिंग पेड अ बॉम्ब according to that time for me. And B, मतलब उस एक छोटे से शॉट के लिए जिसमें मैं सिर्फ अंदर घुस रही हूँ, वो भी मेरा बैक शॉट है. मतलब किसी भी दूसरी लड़की को मनाली में उठा लेते और ये शॉट करवा देते, उनको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते मुझे. बट मैं गई उसके लिए, हम तीन दिन रुके, मैंने वहां शॉपिंग की, मैंने पहली बार, इट वॉज माई फर्स्ट सोलो ट्रिप, सो आई वॉज गोइंग क्रेजी एंड विद द बेस्ट टीम. सो इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. एंड व्हाई वुड यू डू एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सच थिंग्स. दैट्स ट्रू. बट डिड दे डू दिस इन पोस्ट ऑल्सो, कि तुम्हारा रंग उन्होंने पहले सांवला कर दिया और फिर क्रीम लगा के गोरा कर दिया? नहीं, मेरा रोल वैसा था, मेरे साथ एक और लड़की थी जो बेचारी मनाली नहीं आ पाई, तो मैं वो थी जो उसको बोलती हूँ कि फेयर एंड लवली यूज कर, तुझे पता नहीं है तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी. So, basically, I visit the girl who's dark and I tell her, boss, मेरा राज यही है, तू ये यूज कर. This is so funny. Not but... proud of it. would you do it again if they give you a bag, if they give you a lot of money, would you do it again? No, I don't think anymore. In fact, that's the reason I don't do collabs also of a lot of things, be it on social media. Ab to kya main social media pe ek ded saal se bahut hi inactive ho gayi hu. But pehle jab thi bhi, I would make sure even if I'm endorsing something or doing some kind of collab, I would tell them meko kam se kam ek do mahina ye cheez use karne do boss. Agar mujhe jama to hi main karungi. और अगर बहुत अच्छा लगा तो मैं फ्री में कर दूंगी. आई वोंट इवन चार्ज यू फॉर इट. गिव मी अ वन ईयर सप्लाई इफ आई रियली लाइक द प्रोडक्ट, आई विल डू इट फॉर फ्री फॉर यू. बट या आई हैव स्टॉप डूइंग थिंग्स अनलेस एंड अंटिल आई जेन्युइनली बिलीव इन देम. बट तब दौर अलग था, तब समझ भी नहीं आता था उतना. एवरीथिंग वॉज फन एंड गेम्स. यू वर नॉट रियली looking forward to be responsible in any way. So makes sense. Yeah. And back in the day, yaar, Fair and Lovely kisne nahi lagai? Fair and Lovely was one cream that was marketed so precisely and on such prejudice, like it's nothing to be proud about, like just like you said. Mere dad used karte the. Yeah, but I used it, yaar. Fair and Handsome aane lag gayi thi, yaar. Yeah, I remember that also, but dad ne proper Fair and Lovely use kiya, kitne saal. I knew that was like ek hi cream tha, unke wahan ek sabun hota tha, jisse wo muh saaf karte the, wo thoda pears ya kuch to hota tha. Life boy, like every man used to bathe with Life Boy at a point. Yeah, Life Boy. Like sar se leke paon tak, no shampoos, man. They'll just pick up the soap and just wash every part of their body with Life Boy. Yeah. Fair and Handsome was like crazy. I used to be a basketball player. I remember Shahrukh Khan endorsing it. Yeah, Shahrukh Khan was endorsing it. I remember. Right. Yeah. Like it's so crazy. Like मैं ना रगड़ लेता था मुंह पे, and then it used to give like a two shade thing. वो ठीक से absorb भी नहीं होती थी, और मेरी tanning भी नीचे से लगी रहती, तो मैं वो लगा के school चला जाता था. And तो तुम्हें all of us do. वो कथकली वाला मेरे यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ नहीं, गर्दन काली है पूरी. गर्दन पूरी काली है धूप में खेल खेल के, लेकिन मुंह पे शेड है तक से रखा. एंड वी स्टिल यूज टू थिंक लाइक फेयर एंड हैंडसम ही लगाएंगे तभी गोरे होंगे. एंड एवरीबॉडी यूज टू थिंक लाइक दिस, राइट? दिस कंपनी एक्चुअली स्कैम्ड पीपल फॉर ओवर अ डेकेड. अभी भी बिकती है, अभी भी मिलती है.
आई डोंट नो बट आई थिंक मिलती भी होगी तब नाम वाम पूरी तरह से चेंज कर दिया होगा. आई डोंट थिंक द नेम वुड बी एनीवेयर क्लोज टू व्हाट इट यूज्ड टू बी. बट ब्राइटनिंग क्रीम अब ब्राइटनिंग क्रीम्स के नाम से बेचते हैं, यू नो विटामिन सी है इसमें और ये सब है. बस कौन वर्ड्स बदल गए, कौन है अभी भी. सो मेनी इसका नाम है ग्लो एंड लवली. लोग बेचारे थोड़े नाइव होते हैं, थोड़े शरीफ होते हैं, दे वुड स्टिल बाय इट. दे वुड स्टिल इफ दिस क्रीम कुड पेनिट्रेट द फर्स्ट ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, the tier 1 cities, it's very easy for them to penetrate the tier 2 and tier 3 cities with the advertising, with anything, right? Aur sasta bhi to hai na kitna. Exactly. It's dirt cheap, yeah. Right. And models, they would pick up models like you, jinko dekh ke na people would be like on the television like 10, 12 years ago, oh my god, itne gore ho jayenge hum. So yehi laga lete hain. Yaar, ladkiyon ko complex de diya tha in logon ne. There was a point like, women used to feel complexed while watching these things, right? और अभी भी बनते हैं एड्स ऐसी, और मुझे समझ नहीं आता ये एड्स देखता कौन है, बिकॉज अब टीवी वाला जमाना तो रहा नहीं कि आपको जबरदस्ती एड्स देखने पड़ते हैं. बस जियो सिनेमा के लिए बनते हैं एड्स, तो भी जबरदस्ती दिखाते हैं. देखो मतलब पे भी किया है, आप मेंबर भी हो तो भी एड देखो. सो व्हिच वाज, व्हाट वाज योर फर्स्ट बिग बॉलीवुड प्रोजेक्ट और मेनस्ट्रीम प्रोजेक्ट? If I say my first mainstream project, I wouldn't call it big, but it was Raaz Reboot, directed by Vikram Bhatt. Yeah. It was Imran Hashmi, Kriti Kharbanda and Gaurav were the three leads in it. And I was playing Kriti's best friend who gets killed basically. जिसके मतलब वो एक character होता है ना जो बहुत ज़्यादा over smart होता है, वो पहले मरता है, वो थी. I would say that was mainstream, but उसके अलावा मैंने उसके पहले भी कुछ पांच छह फिल्में. सच में बताना, you did that film for the money, no? Otherwise script तो इतनी compelling नहीं होगी. Actually, I'll tell you what, it was one of the projects जिसमें मुझे सबसे कम पैसे मिले, जबकि वो मेरा सातवां या आठवां project था. उसके पहले मैंने पांच छह फिल्में कर चुकी थी, but they were all independent films, new production houses. Some of them didn't even release, some of them released, but मतलब 10 screen में release की, मतलब बस families ने देखी हमारी. वैसे वाला रिलीज हुई. सो और वैसे बहुत फिल्में बनती थी तब, यू नो कुछ आ जाते थे 1-2 crore लेके नए नए प्रोड्यूसर्स की, चलो पिक्चर बनाते हैं. और मैं कर भी ले रही थी, बिकॉज मैंने ट्रेनिंग कभी ली नहीं एक्टिंग में. फॉर मी एवरी प्रोजेक्ट दैट आई वाज डूइंग एट द टाइम, एज लॉन्ग एज साफ सुथरा है, इसमें फालतू की कोई सीन नहीं है, इट्स मेकिंग सेंस, तो मैं एक्टिंग स्कूल समझ के कर लेती थी कि चलो एक एक्सपीरियंस ही आ जाएगा तुम्हारा. सो उस तरह से मैंने काम शुरू किया. एंड ये कुछ आई थिंक मेरा छठवां प्रोजेक्ट था, और ये भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि रोमानिया घुमाने ले जा रहे थे 2 महीने के लिए. इट वाज 2 महीने रहना था, भले शूट मेरा कुछ 10 दिन का था उसके लिए, बट 2 महीने के लिए लगेंगे, बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू सेंड यू बैक एंड कॉल यू एवरी टाइम, यू नो इट्स एन एक्सपेंसिव टिकट. आई वाज लाइक, और उस वक्त कुछ तो मैं बहुत बड़े ट्रांजिशन से चल रही थी, आई हैड जस्ट ब्रोकन अप. And I was just between house. I didn't have a house also. I was in the middle of finding a house. So I was like, chalo, 2 mahine chalte hain. I want to be out of the stress. I was like, perfect hai, kar leti hun. Vikram Bhatt sir se mili. He was like, haan, chalo, 2 mahine bas ghum ke a jao tum bhi. Unko bhi pata tha ki ye time pass ke liye kar rahi hai. So I was like, yeah. Vikram Bhatt ko pata tha, us picture ko koi nahi dekhne wala hai. Right. I wouldn't say that, but actually it was really, really bad. I think it was one of the worst. That's what I'm saying. No, you could have never signed that thing if you weren't homeless, right? Yeah. Or if you weren't out of a relationship, right? It was not a film that you were doing. It was let's say a support group that you joined that took you to Romania to make you feel better about your life, right? It was. And everybody was bad in that movie. Forget about me. I think मैंने अपनी life की सबसे खराब acting की उसमें. I don't know why. I was just not feeling it, जबकि जगह खूबसूरत है, locations beautiful हैं, but सबने खराब काम किया. I think it was Imran Hashmi's worst. And you would agree if somebody, it was his worst. And he has done some Raaz before that. तो याद नहीं है मेरे पीछे खंजर लगते हैं ऐसे तीन movie आके. That was me. Done some Raaz, like इतनी सारी Raaz हो चुकी हैं. Like people don't even see the first one. Raaz was very good. Everything that followed it was a show. It was a dumpster fire. Like nobody remembers anything after Raaz. Nobody does.
दिमाग में आए कि वो बंदी बहुत सुंदर थी तो अभी भी सुंदर ही होगी शायद ढूंढो ढूंढो एंड दे वर लाइक नो शी इज नोवेयर राइट नाउ सो वी कुडंट इवन फाइंड एनी ऑफ हर कॉन्टैक्ट और एनीथिंग बट या रास्ते से मुझे याद आया बट शी वॉज वेरी प्रिटी यार ऑल दोज गर्ल्स हैड 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 द डूड्स गोइंग वाइल्ड राइट दैट फिल्म That film had everything going for itself, right? You have music. Bipasha, you have music, you have that scream that would still make people piss in their pants. पता है वो जंगल वाली जो चीख थी यार कितना funny था ना वो घर के अंदर बैठा जंगल में कोई चीखा है दूर से उसको घर तक आवाज आ जाती है everything is on in the house. और फिर एक पत्नी की शक्ति होती है जो अपने पति को जब बचाने जाती है वो सिंदूर की शक्ति चीट कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली सिंदूर ही बचाएगा उसको आके रियल लाइफ में कोई पत्नी होती ना तो उसको बोलती तो मरने दे चले जाएगी भूत मार देगी कब का पहली बार तो मेरी मत मारी गई है मैं जंगल में जाऊं जब ऐसी आवाजें आ रही है तो कोई जंगल में चीख रहा है तो तुम उसके पास नहीं जाते वहां से दूर जाते हैं वो ये वो यार और फिर वो आता है ना आशुतोष राणा कैरेक्टर आता है वो कन्विंस करता है उसको वो कन्विंस करता है उसको देख कि मतलब लुक एट द सिनेरियो इफ यू मेक इफ यू एंड अप मेकिंग अ पैरोडी द सीन वुड प्ले आउट लाइक दिस राइट वो उसने अपने पति को चीट करते हुए पकड़ लिया उसका पति खूब रग रलिया मना रहा है राइट ही इज हैविंग अ बॉलर टाइम लाइक ही इज स्लीपिंग विद टू चिक्स ही हैज द मनी हाउस इन ऊटी राइट ही इज लिविंग द लाइफ देन उसकी पत्नी उसको पकड़ लेती है और फिर वो जो भी उसको बोलता है बक 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 जो भी जैसे भी मर्द जस्टिफाई करते हैं चीटिंग को और फिर एक तीसरा आता है बंदा जिसको भूतों के बारे में पता है अब वो आ तो रहा है एग्जॉर्सिज्म करने बट वो उसकी बीवी को ये उसकी बीवी को कन्विंस कर रहा है कि नहीं ठीक है वो सोया ही तो है उसके साथ तो सेक्स ही तो किया है उसने लेकिन तुम्हें सिंदूर से उसको बचाना पड़ेगा नहीं तो वो मर जाएगा राइट एंड वी वर वॉचिंग इट लाइक दिस ओ माई गॉड ये तो हमने पहले कभी नहीं देखा तब तो ठीक है तो पति चीट करके आए तो ठीक है थोड़े दिन नाराज रहेंगी इट्स फाइन चलो अभी घर तो आ गए ना सो यू वेंट इन टू अ कास्टिंग डायरेक्टर फॉर दिस रोल इन राज हाउ डिड यू ऑडिशन फॉर इट Yeah, I had a manager back in the day during that time and he kind of suggested my name. Phir record chota audition bhejna tha usko zyada koi bahut complicated audition tha bhi nahi. It was a friend's role, heroine ki friend ka role tha to. Kuch to I don't even remember the audition to be honest, but I remember the meeting with Vikram Bhatt sir the first time in his office. So tab Vishesh Films was making it to jahan Mahesh Bhatt sab baithe the usi office mein Vishesh Films ke office mein meeting thi. So yeah, it was actually quite an easy breezy thing. I don't think they were that serious about that role to begin with. Movie ke baare mein hi nahi the, to role ke baare mein kya honge? Why do they keep making? Since you work in production now, why do people make such films? Like Vikram Bhatt is still making those 1920 films, man. I think वो हो जाता है आपको जो मिल रहा है वो बनाते हो एक पॉइंट के बाद इट वाज नॉट लाइक ही वाज अ वेरी बैड डायरेक्टर एट वन पॉइंट उन्होंने गुलाम जैसी फिल्में भी बनाई हुई है यू नो इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट ही इज फर्स्ट राज ले लो या गुलाम ले लो यू नो देयर वाज अ गुड फेज दैट ही वेंट थ्रू एंड ऑब्वियसली उन्होंने उसके पहले कितना महेश भट्ट जी को और भी कितने डायरेक्टर्स को ही असिस्टेड पीपल फॉर एटलीस्ट 15 years फर्स्ट 15 years ऑफ हिज करियर And he is such an impressive man. If you talk to him, you would really want to talk to him. If agar kabhi podcast karne ka mauka milta hai, tumhe you should definitely do because he's a very interesting man to talk to. Like right. ab baat karoge unse, to he is a salesman. He can sell anything to anybody. Yeah, that's why four Rajas. We have four Rajas. Right. Yeah. So kuch to ho gaya, but I think you get typecasted. Jaise actors ek time pe bahut typecast ho jate the kuch tarah ke role karke. Waise directors ke saath bhi hota tha. Ek cheez kaam kar gayi, to fir usi pe bang karke fir se kiye ja rahe hain. Same formula bana rahe hain. Like you know, Sajid Khan made so many similar films. Wo Houseful 1, 2, 3, 4. Sajid Khan's fall off was the one and only victim of Me Too. Like there was one person who got shot down and it was Sajid Khan, right? Yeah. I don't remember anybody else from Bollywood who was completely shot down. His career was completely
thrown out of the window because of me too. But also I think because it was also very true. Like mera kabhi pala nahi pada, but I know at least 10 stories about him from people that I've worked with, from women that I've worked with or that I know and that are my friends who I can trust. So everyone who's has met him during that era had a story to tell, and it was not a great story. So in fact, agar sari ki sari bahar aati, to matlab pura saal kam pad jata shayad. यार उसका बिग बॉस में पूरा का पूरा इमेज व्हाइट वॉश करने की कोशिश करी गई. दैट्स द वर्स्ट थिंग. आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है. मतलब ही वाज इन 15 और 14, आई डोंट नो, 14 में था, 2021 में जो आया था, और वहां पे उसको लेके आया गया. यू आर ब्रिंगिंग हिम बैक आफ्टर ही वाज इन अ साइलो फॉर लाइक व्हाट 4-5 इयर्स, एवर सिंस दिस थिंग हैपेंड, मी टू वाला थिंग हैपेंड, एंड ही केम बैक. और उसके आने के बाद ही वहां पे उसको भैया संत बना के दिखाया जा रहा है कि हाँ, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, राइट, कि इसको आ गया. सलमान, सलमान इज ब्रिंग, सो बिग बॉस इज सिनोनिमस विद सलमान, राइट? इफ देयर सलमान भाई, देयर इज बिग बॉस, राइट? एंड देन हूएवर फ्रॉम द इंडस्ट्री कम्स इन, देयर इज सम कनेक्शन टू सलमान भाई, बिकॉज फरा एंड साजिद आर ब्रदर सिस्टर. सो इफ यू लुक एट द होल इक्वेशन, राइट, सो फरा एंड साजिद, सॉरी, फरा एंड सलमान आर वेरी क्लोज, बिकॉज फरा एंड अरबाज आर वेरी क्लोज. Farah and Arbaaz are some of the best friends in the industry, very tight people. So all of this is the overflow of the thing, ki mere bhai ko bhi kara do yaar, bring him back and stuff like that. Nobody's working with him like that. So it's funny how they tried to whitewash his image, right? But I'm very glad that he was thrown out. I'm very glad that he was thrown out. Because jaise tumne bola tha, maine bhi bahut sare accounts padhe, he used to take his pants off. Like, he used to directly take his pants off and like, stuff like that. Like, there was this, have you ever seen the show called How I Met Your Mother? उसमें एक बारनी कैरेक्टर था, सो इन वन ऑफ द एपिसोड्स ही हैड दिस मूव कॉल्ड द नेकेड मैन, वेयर यू गो टू द गर्ल्स हाउस एंड व्हाइल शी इज मेकिंग कॉफी फॉर यू, यू जस्ट गो नेकेड एंड यू स्टैंड देयर एंड यू सरप्राइज. ही इज नॉट अ प्रीटी साइट टू लुक एट विदाउट क्लोथ्स, बाय द वे, ही इज नॉट अ प्रीटी साइट, आई एम श्योर. यू कैन स्ट्रेट अवे गेट अ हार्ट अटैक लुकिंग एट साजिद खान विदाउट हिज क्लोथ्स ऑन. But even then, he dated some very gorgeous actresses. Oh, I would for name the money, him, no. It's for the money. It was for the money. Come on. He dated Nargis. No, Nargis's initial years were with Sajid. I don't know Nargis. Nargis Fakhreddi. Animesh ek baar dekhiyo. Nargis Fakhreddi. I'm pretty sure. I think Jacqueline thi. Nargis thi ya Jacqueline thi? Maybe I was. Mere hisab se Jacqueline thi. I think it was Jacqueline. Jacqueline has dated some of the most shady people in the industry. All for MacBooks. She has a thing for bad boys. No, she has a thing for chore boys. She does not have a thing for bad boys. She has a thing for criminals. She's like Mona Darling. Suhana Khan ko na maine Archies mein dekh ke what hit me a lot. Being very honest here, that you have everything at your disposal, right? I understand that there's pressure with everybody, right? If I come from, let's say ki I come from a very small, from an unknowing background, right? किसी का लेना देना नहीं है. और मैं बॉम्बे आ गया, मुझे पहला ब्रेक मिला, अब मेरे को भैया अपने घर के बिल भरने हैं, मुझे घर भी पैसा भेजना है. I am also dealing with a lot of pressure, right? But this pressure is exactly opposite to the pressure that probably Suhana and other star kids are facing. वो रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं. They are not. रोटी के लिए मैं भी नहीं रही थी शुरू के 2-3 साल, तो इवन माई डैड वॉज स्पॉन्सरिंग मी, यू नो, उसके बाद ही आई स्टार्टेड, लाइक आई सेव्ड इनफ दैट आई वाज लाइक डैड अब बंद कर दो, यू नो, भेजना मुझे, नाउ आई कैन मैनेज ऑन माई ओन. बट yeah, you're right, they don't have the sense of urgency, they don't have that sense of urgency that if this does not work, I don't have anything to lean back on. That's what I think. Right? In fact, the guy who plays Suhana's dad in the film, he did one podcast jahan pe usne bola ki ek saal, have you seen that? I had the same exact feelings. Like for one year you have everything at your disposal, right? Aur jab aap camera ke samne aa rahe ho, you should be smooth as a hot hot knife through butter. Aisa hona chahiye. And he was right. You know, even behind the scenes, I'll tell you what, before Archies has even come, क्योंकि Archies की बात 1-1.5 साल से चल रही है कि सुहाना उसमें लॉन्च होने वाली, अगस्त्य नंदा उसमें लॉन्च होने वाला है. एंड ऑल्दो आई डिडंट हियर मच अबाउट अगस्त्य एट द टाइम, बट सुहाना का एक अंडरकरेंट चला था कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. चल रहा था कि बॉक्स उसका उसको काम आता है करके, यू नो, और ये सब लोग बोल रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग कि सुहाना का तो सुनने में आया बहुत अच्छी है, शी इज नेलिंग, लाइक शी इज अ गुड एक्टर, शी विल मेक इट एंड व्हाटएवर. So there was already this talk happening behind the thing, like people were already talking about her
since a year now that she is going to be the next big thing. So I yeah, the whole thing is that I don't understand. Like, if I was Shah Rukh's son, I would be like, ki yaar nahi, jab tak I don't think so that I should make a debut. Like, it's, I am completely looking fine. I'm doing at least a good job. Yaar, pehli picture se, let's give them the leeway ki pehli picture mein koi superstar nahi ban jata hai, right? There are examples too. Ki pehli picture se bhi one hit wonder bane hai log. But again, you can, there are a lot of, Kumar Gaurav, right? Yeah. There are a lot of examples. But the whole point is ki chalo, theek hai, tumne ek buri acting hoti hai aur ek hoti hai ekdam tuch acting. Like, itni kharab acting tumne kari hai film ke andar. I cannot imagine, like, the you are getting launched on Netflix, right? Matlab, Gen Z ka dusra ghar hai Netflix, right? Netflix caters to Gen Z's everything, right? Yeah. Then Zoya Akhtar, right? Then you have the biggest star father in probably the world, right? Yeah. And still you are coming with this. So, Khushi ko dekh lo, bhai. She's a pretty face, right? No doubt. I love the way she looks. She did act better than Suhana. Yeah, I liked her. I liked her the most, like, in the lot. Right? She was still more convincing for me as a viewer, for sure. Yeah, yeah. Agastya did well, yeah. Agastya did well. I think he's a good dancer. He looks good. Jabki mujhe trailer mein sabse acha Agastya laga tha. I think movie dekhne ke baad I leaned more towards Khushi. But Agastya in trailers and all, I thought he had a presence, you know, when he was doing that Wawa Boom song and the way he was like. Right. I thought he had that confidence. But thoda sa, I think when I saw the movie, I leaned more towards Khushi as compared to other. Mihir Ahuja was good. In fact, he was very good. The rest of the cast for me worked much better for sure. But also, it felt like we're bahut dare hue, to be honest, with Suhana and Agastya. They're just scared. They know that what happened after 2020 is going to come down, break on them. ये होगा ही होगा. लाठी इन लोगों को ही पड़ेगी. नोबडी एल्स इज गेटिंग बैटर्ड. शाहरुख खान की फिल्मों को कोई कलेक्शन में फर्क नहीं होने वाला. सलमान भाई की कुछ नहीं होने वाला. इट्स द स्टार किड्स हु हैव बीन ट्रोल्ड एवर सिंस 2020. और ये होगा. और यार पता है एक चीज और है कि व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग इज इफ यू साइन अप टू बी अ पब्लिक फिगर यू हैव साइंड अ डील विद द डेविल. यू देयर वुड बी अ पॉइंट वेयर यू वुड बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बट देयर वुड बी अ पॉइंट वेयर यू वुड बी 6 फीट अंडर द ग्राउंड ऑल्सो. And you need to know how to deal with it. Like Sanjay Dutt is a great example of it. Yeah, Sanjay Dutt is a great example of it. Sanjay Dutt ki shuruaat ki picture dekh lo, wo Janhvi Kapoor aur Khushi Kapoor se mila ke gandi acting karta tha shuruaat ki picture mein, right? Yeah. And he was not even interested in working. There are certain films jahan pe wo khud batata hai ki mere father ne mujhe dhakka maar ke picture karai, isliye maine kar li. Yeah, yeah. Main apne drugs mein hi khush tha. Yeah. Right? But then he realized ki kahan wo ja raha hai, usne kaise kiya, and now Sanjay Dutt is what he is. He actually changed himself, right? Yeah. But he also took the beating, no? He also took the beating. Uske baare mein bhi us time pe bahut likha gaya tha. Bahut likha gaya tha. I still remember. Yeah, yeah, Sanjay Dutt, Akshay Kumar. Akshay Kumar was not a star kid, but he had a thick skin. He had 11 flops in a row. Yeah, yeah. So, yeah. I think these star kids are way too thin-skinned, I would say that. Inko farak bahut jaldi pad jata. Like Arjun Kapoor is on Instagram live every other day ranting about how people troll him. he made a call कि हमारी इंडस्ट्री को इकट्ठा होना पड़ेगा इन ट्रोल्स के अगेंस्ट. इंडस्ट्री से एक आदमी नहीं आया. एक आदमी ने नहीं बोला. आई डोंट अंडरस्टैंड मैन. बट आई थिंक वो हो जाता है. बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग मैन रेज वीक मैन एंड देन वीक मैन रेज बैड क्रिएट यू नो हार्ड टाइम्स. वो वाला एक्चुअली सच है. दैट होल थिंग इज एक्चुअली ट्रू. एंड व्हेन यू आर सो प्रोटेक्टेड since you're a kid, like from the time you're a child, so I think kahin na kahin ho jata. And right now humne itna kuch dekha nahi hai when it comes to social media. Humne social media dekhna shuru kiya in our adult much later, you know, after in our 20s we started dealing with that. To mid 20s maybe we've started dealing with social media, but ye log to usse pe bade hue hain. To be honest, I feel kahin na kahin it is not easy, and it gives the leeway to a lot of mental pressures and issues and psychosomatic disorders and anxiety issues. ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आजकल बच्चों में. क्यों?
पहले हम सुनते भी नहीं थे बच्चों में, तो बच्चों में डिप्रेशन होने लग गया है. लोग बोलते हैं मेरे माय किड इज गोइंग टू अ साइकाइट्रिस्ट, व्हाई, बिकॉज़ ही इज डिप्रेस्ड, व्हाई, वेयर इज ऑल ऑफ दैट कमिंग फ्रॉम? इट्स कमिंग फ्रॉम दिस प्रेशर ऑफ यू नो बीइंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन कॉन्स्टेंटली, बी इट योर फोन, बी इट योर टीवी, नॉट हैविंग एनी स्पेस, स्पेशली बॉम्बे जैसे जगहों में. आप तो फिर भी कैनेडा में हो, बॉम्बे में कहाँ, यहाँ के स्कूल्स होते हैं, स्कूल नहीं, एक बिल्डिंग होती है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई मतलब खेलने की जगह है, स्कूल है क्या मतलब, लाइक इट्स अ मजाक, इट्स नॉट अ स्कूल. सो यार उसका एग्जांपल ले लो ना, सैफ के बेटे का तैमूर का, ही हैज बीन इन द लाइमलाइट एवर सिंस ही वाज बोर्न, राइट? या एंड बाय द टाइम ही मेक्स हिज डेब्यू, दैट वुड बी लाइक 10 और 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, ही वुड ऑलरेडी बी अ सेलिब्रिटी, राइट? ही वुड ऑलरेडी बी ओमनीप्रेजेंट एवरीवेयर, एंड इफ हिज उस टाइम पे डेब्यू उसका अगर फ्लॉप हो जाता है, ही वुड बी इन अ फकिंग शॉक. Like I've been child celebrity, I've had cameras on my face ever since I was born, and meri picture ko itna footfall mila because of who I am, because of the family I belong to, yeah. And then that film bombed. Yeah, you remember Mithun Chakravarti's son, Mimo? I've met him also personally a few times. He's quite, yeah. Please tell me, yeah, please tell me. How did he was dating. It? He was dating one of my friends at some point of time. Ajah. So yeah, not great. No great story. I thought he was just, he was just too funny and full of himself at the time. I felt like, yeah. He's full of himself? Yeah, yeah. You know what? We were sitting in a team meeting and we were thinking, kis picture ko roast kare? Let's go nostalgia way, purani kuch nikal. तो मिमो की एक पिक्चर आई थी, अनिमेश कौन सी पिक्चर रोस्ट कर रहे थे यार हम, मिमो की एक फिल्म थी जिसमें डांसर बना, यार जिसमें डांसर बना, इतना बड़ा मुंह होता है जिसमें इसका, इतना बड़ा मुंह है उसमें इसका, राइट? तो चश्मा लगा लिया उसने ऐसे वाला, और बाल गीले कर लिए, जेल लगा के, लंबे बालों में जेल लगा के, एंड ही वाज डांसिंग, डांसर, डिस्को डांसर, समथिंग डांसर, डांसर फिल्म केम आउट, राइट? इतनी बुरी पिक्चर है ना वो सुजैना, मैं बता रहा हूँ हमारे को उसकी पायरेसी भी नहीं मिली. जिमी द फिल्म जिमी. Yeah, Jimmy. वो इतनी बुरी पिक्चर थी, हाँ, nobody gave a about that film. एक सेकंड, मूवी का नाम is Jimmy. Jimmy. Wow, okay. मूवी का नाम is Jimmy. You haven't heard about it, no? Nobody has heard about it. Only Mimo. And it's a dark, dirty secret of his. He would never tell. Like, we couldn't find that film for 2 days. He torrent पे हमने ढूंढ लिया, कहाँ पे, YouTube पे, कहीं कुछ नहीं मिला. Right? It's such a bad film that nobody got it. And now you are telling me that he's so full of himself. Like, why? Kyun bhai? Aisa tune kya kara hai? Right? So, it's crazy. Aur pata, mere ko ek cheez lagti hai, ki there are certain talented kids also, star kids also. Jaise Ranbir Kapoor. Chalo, Ranbir Kapoor is now 40. He's been into the industry for what? Past 20 years now almost. While, yeah. There are certain, yeah. Yeah. बट जो नए वाले स्टार किड्स है ना, आई थिंक दीज गाइज आर सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल इन देयर माइंड्स. अ लॉट ऑफ देम डोंट स्टिल कैन नॉट स्पीक हिंदी. कैन यू बिलीव इट? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस. कि तुम हिंदी क्यों नहीं बोलते? यू टेल मी कि इंडस्ट्री में ऐसा कल्चर है दैट पीपल स्पीक अ लॉट इन इंग्लिश? Actually, yeah. Like, I have never cared about it, honestly, क्योंकि मैं, मुझे हिंदी बोलने की आदत है. मैं छत्तीसगढ़ से हूँ. हमारे टाइम पे तो स्कूल में क्लासरूम के अंदर जब तक टीचर पढ़ा रही है तब तक खाली इंग्लिश यूज होती थी, नहीं तो क्लास के बाहर टीचर भी हिंदी में बात करती थी. तो आई यूज टू फर्स्ट थिंक इन रशियन, बिकॉज रशियन वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज आई स्टार्ट टॉकिंग इन एज अ किड. तो मैं पहले रशियन में सोचती थी, बट इन लास्ट लाइक फ्रॉम द एज ऑफ 14-15 आई स्टार्ट थिंकिंग ओनली इन हिंदी. तो यहाँ आके एक तो तुम्हारी हिंदी वैसे भी खराब हो जाती है, मतलब मेरे, मैं इतनी अच्छी हिंदी बोलती थी, यहाँ आके कुछ तो हो जाता है आई थिंक हवा में, बिकॉज आप आधे टाइम तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, बिकॉज सभी इंग्लिश बोल रहे हैं एंड पीपल डू लुक डाउन अपॉन यू. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट दे डू लुक डाउन अपॉन यू एंड दे हैव दिस वेरी वियर्ड हैबिट. मोस्ट ऑफ देम हैव अ वेरी वियर्ड हैबिट ऑफ करेक्टिंग यू इफ यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, विच इज वेरी अनोइंग. एंड आई एम लाइक, ब्रो, लाइक, you know, it's okay, like, you don't have to be so about something, as long as samajh mein aa raha hai, communicate kar pa rahe ho, that should be it for you, unless and until, of course, you are acting or you're playing a character that comes from Britain or you're an NRI, then yeah, then you work on your English, then you work on your enunciation, on your pronunciation, but if you're not, if you're having a normal conversation, aap agar rok rok ke ek insaan ko bar bar correct kar rahe ho, it's not right. I mean, aur yahan bahut karte hain, bahut snootiness hai when it comes to language, and we are a Hindi-speaking film industry at the end of the day. Exactly. So, rather than looking down upon us ki hum Hindi mein baat karte hain aur English shayad itni achhi nahi hai jitni tum logo ki hai, to matlab we should be looking down upon you ki saalo tum logo ko Hindi nahi aati.
Exactly, that's so right what you've said. Nawazuddin Siddiqui का मैंने एक वो देखा था क्लिप जिसमें वो ये बोल रहे थे कि तमिल इंडस्ट्री या साउथ की इंडस्ट्री में क्या होता है, मेकअप दादा से लेके डीओपी से लेके डायरेक्टर से लेके हर कोई एक लैंग्वेज में बात करेगा, तमिल में, तेलुगु में, वट एवर द शूट इज गोइंग ऑन, वो उनसे बात करेंगे, तो एक एनवायरमेंट बन जाता है, एवरीथिंग इज कन्वेड इन वन वेवलेंथ, राइट? या और फिर वो उसने कंपेयर किया यही बॉलीवुड के साथ कि यहाँ पे भैया डायरेक्टर बोलेगा इंग्लिश में, अगर एक्टर को इंग्लिश ठीक से नहीं आती तो वो दो बार और पूछेगा, फिर कोई मेकअप दादा बोलेगा आधी इंग्लिश में आधे हिंदी में, और आधे लोग तो बोलते ही नहीं है हिंदी जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो होता है ना पीयर प्रेशर सा बन जाता है रूम के अंदर, लाइक एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू शो ऑफ एंड दिस इज सो रॉन्ग, लाइक व्हाई वुड यू डू दैट? अभी कॉफी विद करण पे शर्मिला जी और ये आए थे सैफ अली खान, राइट? तो मैंने अपने रोस्ट में भी उसको मेंशन किया, वो बोलती है पुत्र मोह, लाइक बेटे का प्यार, और उस जबकि शर्मिला टैगोर उस जनरेशन से जो भी आता है ना, दे आर वेरी वेरी इलोक्वेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, एंड जहां भी कॉफी विद करण में इफ यू पे अटेंशन, शर्मिला जी इज ट्राइंग टू टॉक इन वेरी गुड इलोक्वेंट हिंदी व्हेनेवर शी गेट्स द होल एनवायरमेंट, कि हाँ अगर तीन लोग बोल रहे हैं तो मैं हिंदी में यहाँ पे बोल देती हूँ, और शी हैड गिवन अप कि यार सैफ तू हिंदी उसका वो है एंड यू डोंट नो पुत्रमो, करण जौहर इज ट्राइंग टू एक्ट, आई एम प्रीटी श्योर दैट ही न्यू, बट उसने जो देखा ना वो जो रिपल इफेक्ट होता है ना, डोमिनो इफेक्ट, कि हाँ यार मुझे भी नहीं पता, नहीं नहीं हाँ मैं भी बड़ा कूल, आई थिंक ही जेन्युइनली डिडंट नो, इट्स नॉट दैट गुड एन एक्टर यार, इट्स इट ग्रेट बट नॉट दैट गुड एन एक्टर आई थिंक, आई नो सो व्हाट आफ्टर कालकुट आर यू डूइंग अनदर वेब सीरीज? आई जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म कॉल्ड टुडे which is basically based on Tidde in Hindi wala Tidde jo locust attack nahi hua tha 2020 mein India mein bahut sare khet barbaad ho gaye the to us pe based ek movie ban rahi hai to we just finished that and other than that I'm starting a few projects I'm writing finally because iske pehle tak main logon ke liye likh rahi thi I was writing for Mayank Tiwari uske baad I was writing for Sumit Saxena different directors and now I finally am in a sweet spot right now where I don't have to financially go for these things. वैसे भी writing में पैसा नहीं मिलता, to be honest. Right. One of the reasons I think we don't have great writers और अच्छे या तो अच्छे writers directors बन जाते हैं. सिर्फ अच्छे writers बहुत कम हैं इस industry में because genuinely the money is the worst. Like I thought writing is the most important thing in a movie or in anything because writing ही नहीं है तो फिर क्या बना लोगे तुम? But as writers, you get paid like literally close to nothing in this industry, especially if you're starting out, no matter how good you are. Unless and until you know some people, you have connections, you worked some time and made your way in the industry, that's a different thing. Kabhi kabhar luck kaam kar jata hai, aap sahi jagah, sahi time pe pahunch jao, to alag baat hai. But otherwise, it's very bad, the condition, even today, when I think, you know, ab to content-driven cheeze aane lag gayi hain. ऐसा नहीं है कि नहीं है इंडस्ट्री में बट फिर भी जितना होना चाहिए उतना इम्पोर्टेंस अभी तक राइटर्स को नहीं है बट वी आई हैव गॉट अ लिटिल कैरिड अवे व्हाट वी डिस्कस नो यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक द सेम थिंग दैट यू सेड कि राइटर्स को आज भी पैसा नहीं मिलता है अभी एक प्रोटेस्ट भी हुआ था ना हॉलीवुड में भी ऑल द राइटर्स गेव अप राइट सो ये ओमनी प्रेजेंट है ये प्रॉब्लम कि राइटर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता मैं तुम्हें बात बता रही हूँ वहाँ पे तो उन्होंने इतना तमाशा हुआ है इतना प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पे एक राइटर को 2% से कुछ मैंने पढ़ा था कहीं पे 20% 2-20% डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू आर एंड हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर तुम्हारा जो राइटिंग के लिए शेयर होता है बजट में टोटल बजट ऑफ द मूवी में से 2-20% के बीच में होता है और उसमें भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इंडिया में जो बेस्ट से बेस्ट राइटर है उसको 1% मिल जाए ना तो मतलब गंगा नहाए जाके वो लिटरली सही में कुछ नहीं हो लाइक यहाँ पे क्योंकि आई थिंक इवन करण जौहर हैज स्पोकन अबाउट इट नॉट रिसेंटली बट देयर वाज अ टाइम बिफोर द पेंडेमिक आई रिमेम्बर जब एक्सपोनेंशियली एक्टर्स और स्टार्स के पैसे बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे मतलब तुम्हारी पिछली फिल्म अगर फ्लॉप भी है कोई ओपनिंग नहीं मिली स्टिल नेक्स्ट फिल्म में वो डबल कर लेगा क्यों भाई अपनी मर्जी से एंड दैट वॉज हैपनिंग एंड बिग प्रोड्यूसर्स लाइक करण जौहर वर फेसिंग दैट प्रॉब्लम तो बाकी लोगों की तो बात ही मत करो बाकी लोगों के तो मूवी नहीं लगेंगे you know actors वगैरह so it was really bad and I think that's why the disparity is so इसलिए तो इतना कचड़ा बनके निकलता भी है ना even अगर तुम देखो
like इस साल अगर तुम hits भी देखो, like things that have actually worked, not all of them are great stories. Like on the screenplay level, they are poor stories. Exactly. Gadar 2, exactly. Salar, right? there are films that made nearly 500, 600 crores. All of them, those are trash films. Yeah. और जितनी अच्छी फिल्में हैं, Gulmohar, like the films that should have been watched, yeah. they are not being watched. Yeah. So ये है एक, तो producer तो वहीं पैसा लगाएगा ना, जहाँ पे वो है. तो ये भी एक domino effect हो चुका है. If you have अब गदर 2 के बाद क्या होगा, आई वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ गदर 2 बिकॉज गदर 2 में सनी देओल का कुछ लेना देना नहीं है. लोग वहां पे तारा सिंह के कैरेक्टर को देखने गए हैं और तारा सिंह का कैरेक्टर पाकिस्तान में जाके कैसे पाकिस्तान वालों में होता है, दैट्स अबाउट इट, राइट. दे हैव बीन देयर फॉर दैट, दे आर इन द थिएटर फॉर वॉचिंग दैट, दे आर नॉट सनी देओल फैंस. अगर वो सनी देओल फैंस होते ना तो वो चुप भी देखने के लिए आते. वो तो बहुत बढ़िया फिल्म थी, उसकी राइटिंग तो बहुत अच्छी थी. नोबडी गिव टू टू ऑफ दैट फिल्म, राइट. व्हाई अब सनी देओल के फैंस गए? दीज आर नॉट द फैंस, दीज आर द पीपल हु वुड वांट टू एंजॉय द फर्स्ट गदर का जो नॉस्टैल्जिक फील है. दे वुड कम, चीखेंगे चिल्लाएंगे बिकॉज पाकिस्तान में जाके हैंडपंप टूट रहे हैं, ही इज बीटिंग एवरीबॉडी, दैट्स द एड्रेनलिन रश. अब इसके बाद होगा क्या, गदर 2 एक ब्लूप्रिंट बन गया है प्रोड्यूसर्स के लिए. यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन राइटर्स, यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन सिनेमेटोग्राफी, डीओपीस. Make any trash, just make part 2 of it. Yeah, just imagine Karan Arjun ka part 2 agar kal aa jaye, opening mein hi 200 crore hai. Aur agar Shah Rukh Salman saath aa gaye to khatam hai. Right. Exactly. Karan Arjun ka part 2 aa gaya aur Shah Rukh Salman ke saath to hafte bhar mein 500 crore. Agar tum kisi aur naye bande ko bhi cast kar loge na Karan Arjun 2 mein, wo bhi 100 crore kama jayegi. Star Kid ko bhi cast kar loge. So Gadar 2 started this thing. That's what I was like कि यार ये जो precedent set कर रही है ना इस picture का जो hit होना, a snowball of part 2s are coming. I'm telling you, a snowball of part 2s are coming and all these yesteryear stars, Sanjay Dutt, Shah Rukh Salman, इन्होंने गदर 2 का blueprint देख लिया है कि भाई इतनी hit हो गई, let's make a film जहाँ पे effort कुछ नहीं है. गदर 2 में story में क्या effort था यार, वो आगे पीछे पाकिस्तान ऐसे जा रहा जैसे passport की जरूरत ही नहीं है. मैं देखी नहीं. चला गया, आ गया, चार बार देखना भी मत, चार चार वो पीट दिए, राइट. आई वॉज प्रॉब्ली द ओनली रिव्यूअर हु ट्रोल्ड द फिल्म थ्रू आउट, राइट. राइट फ्रॉम द ट्रेलर के उसके ट्रेलर रिव्यू पे मैंने लिख दिया था गटर, राइट. सो रियली नोबडी एल्स बिफोर ट्रोल्ड इट, नोबडी एल्स सेड बैड अबाउट, नोबडी ट्रोल्ड एज फार एज आई नो द बेस्ट रिव्यूअर्स दे आल्सो डिड नॉट ट्रोल, वाओ, राइट. बिकॉज एवरीबडी न्यू दैट अ पब्लिक सेंटिमेंट इज सो स्ट्रॉन्ग that if you troll it, you would be buried. And I was buried. I was ready for it. कि बहुत hate आने वाली है, but I would be honest to what I've seen. Yeah. The film was atrocious. The film was so bad. I cannot even put it in words. But I honestly don't know anybody who's watched the film. कौन लोगों ने देखी और किन्होंने hit की? मेरे आसपास मेरे घर वाले हो, मेरे भिलाई के दोस्त हो, मैं किसी को नहीं जानती जिसने जाके वो film theater में देखी हो. Like no one has spoken about it. It's still done like masses, I think B centers, C centers, they all went crazy maybe. But tier 2, tier 3 cities, yeah, it was a huge hit, right? Yeah. I mean, I would have literally praised the film if they had some good story to it. But right when Gadar 2 was announced, I knew it. Amisha Patel, you think Amisha Patel is going to act? Are you telling me she hasn't? She was doing like this in the press release. We're like, sabko jaake adapt kar rahi thi. Yeah. Haan, Sakina ji, aagai Sakina ji. Sakina ji ka cocaine khatam ho gaya. Sakina ji ko 20 saal ke baad hosh aaya hai ki haan, kuch karna chahiye mere. I don't understand. Aur aaj bhi utni hot thi Sakina ji, lekin wo to dena padega unko. Yeah, Sakina ji has turned into a very fine MILF, right? Yeah. You have to give it to her, right? Yeah. She has maintained herself, right? Yeah. Movies or no movies, she's very ardent about her fitness, which is something that I praise. Right? Yeah. Same goes for Malaika, no? Malaika gets covered by the paparazzi for walking with her ass out like this for no reason. She walks like a duck and she's the celebrity. But yeah, she's like our Indian Kardashian. That's like no, please. Kardashians have still done something. Like they have a good sex tape out. Like नहीं नहीं किया मलाइका ने, मैं पीछे रह गई हूँ. And she actually did the worst thing. Kardashians hooked up with the best NFL athletes, like best American, all American athletes, right? She hooked up with Arjun Kapoor, right? You think they are going to get married? You think? I'm honestly asking. I don't know actually. No, I don't know. Why not?
Why not? They are not going to get married. No. I don't know. I quite like it. I like it when women date men younger to them. I don't know what it is. Maybe it's the little feminist in me that gets that Kleinhardt and joy every time that happens. But I don't know something about women, like what Priyanka has done. Like it's not role hui hai, aaj tak hoti ja rahi hai. But I'm like, boss, killing it. If some men, women are killing it, why not? And although that is Arjun Kapoor, I think the relationship is fine. Priyanka did a very good thing. Yeah, Priyanka knew very well that after her whole thing with Shah Rukh Khan and how Gauri actually pushed her out of the industry, she made the right move. She's a very intelligent woman. You have to give it to Priyanka that she's very mentally sound about her environment. कि मेरे आगे आगे पीछे क्या चल रहा है. She is very street smart with this thing. So Nick Jonas के साथ whatever, Nick Jonas को इतना भी वो नहीं है, but he's still a multi-millionaire guy, right? And Priyanka, look at the projects that Priyanka has done in the past 10 years. Nothing that would get her a bank, right? Nothing would that would make $100 million or $50 million. So there's this reality and there's this thing that the person you are living with, if he's a millionaire or not, a woman can be a millionaire, right? Suzanne, वो था ना रितिक की एक्स का नाम क्या है? Suzanne Roshan Khan. उसको एलिमनी में कितना 250-300 crore रुपया मिला है, राइट? ओके मिला होगा. दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड डिवोर्सेस एवर, रितिक का, राइट? एंड शी इज मैरिड टू अ गाय नाउ और प्रोबब्ली हैंगिंग आउट विद अ गाय नाउ हू नोबडी नोज व्हाट ही डज. Like nobody knows what he does, right? So लोग कहते हैं gold digger women, ऐसा नहीं है. Gold digging men भी हैं, बहुत सारे आदमी gold diggers होते हैं. So it's not a gender specific thing. That's what I'm trying to say, right? You know, I was living in a building where Suzanne Roshan used to live before pandemic. Just building में मैं रहती थी. उसके top floor पे Suzanne Roshan used to live with her kids. Already divorce वगैरह हो चुका था, but from what I could see, because I used to keep meeting her kids in the pool, मैं swimming करने जाती थी और ज़्यादा लोग pool use नहीं करते थे हमारी building में for some reason, तो मुझे मिलते रहते थे. So I would always a lot of times see Ritik there, and they were in very good. I don't know क्या हुआ उनका, कितना alimony दिया, but they were quite thick even post the divorce. Like it felt like a very warm family even after that. तो वो करना पड़ेगा ना, क्योंकि divorce के बाद you have to see that the common link between you two, no matter how sour the relationship is, you should not let it spill over into your children's and behaviors. I really appreciate that they kept that. Yeah, that is good. Going, जो भी हो, it doesn't matter. मुझे क्या घंटा फर्क पड़ना है अगर उसको alimony मिली है नहीं मिली है, but I think they are setting a good precedent, you know. Even right now, he's dating somebody, she's dating someone, and if they can all four of them have dinner together once in a while, that's quite cool. That's quite beautiful, actually. Yeah, it's more about raising. देखो अब जो तुम्हारे बीच में था वो तो खत्म हो गया ना. Now the common link, you have to raise that common link, right? So you have to tell them. अगर वो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि public में दिखे तो मारपीट करने लगे. इंडस्ट्री नसीर सन. Oh right. वो दोनों का एक band है. So they do live shows and all. Like they're not very famous, obviously, but they do live shows. Yeah. And that's all I know. And she was in मुझसे friendship करोगे. याद है एक film आई थी. उसमें I think वो introduce हुई थी, but उसके बाद उसको फिर मौका नहीं मिला again. She's not an industry kid, obviously. तब मुझे अच्छी लगी थी. She was quite cute when she came in मुझसे friendship करोगे. She was playing a girl next door. It was quite nice. I quite liked the film. And also the director of that movie was the same girl who made this show जब मैं school में थी, बहुत छोटी थी. एक बहुत अच्छा show आया था उस time के हिसाब से. कौन सा? Hip Hip Hooray. अगर याद हो. Oh right, that used to be a cult. It was a nice show. Like for that time, it was quite ahead of its times at the time. Yes. So I remember. And in fact, 90s में बहुत सारे shows ऐसे थे. Those were ahead of their time. Yeah. सारा भाई वैसे सारा भाई. You remember watching Remix? I remember it. मैं वो देखा नहीं है, but I know it was. People were quite crazy about that show, Remix. Yeah. Where's that girl Anvesha who used to be a redhead? I have no idea. She used to have a. I remember the girl. She used to have. Right. Hippe Purre was a great show. Tina Ahuja वाला कोई ऐसी वैसी बात नहीं है. ऐसे कुछ था ना उसमें? Dialogue था उसका. हाँ. It was a cult classic show, यार. Yeah. It was a cult classic show. Like from the 90s till the mid 2000s. ठीक है? Yes.
एवरीथिंग दैट वाज ऑन द टेलीविजन हैड अ पर्सनालिटी टू इट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मुझे सारा भाई वर्सेस सारा भाई बहुत पसंद था. आई रिमेंबर ओह दैट वाज अ कल्ट शो, अ गुड शो. लाइक दैट ट्राइड टू रीडू द सीजन 2 आफ्टर 10 इयर्स एंड इट वाज वेरी बैड. या दैट कंप्लीटली लॉस्ट टच ऑल्दो द कास्ट वाज सेम बट द फर्स्ट फ्यू सीजंस व्हेन दे केम बैक देन दैट वाज सो कूल. दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट गुड सिटकॉम वी हैड in our times, right. at least in our right. times, maybe और अच्छे रहे होंगे. There was one, I remember, मैं बहुत छोटी थी, but एक तूतू मैं मैं करके शो आता था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था. हाँ हाँ हाँ, हम साथ साथ हैं, नहीं हम साथ साथ हैं, जिसमें पांच बहनें होती हैं, and that was the first show where they had this woman. हम पांच मैंने नहीं देखा honestly, but तूतू मैं मुझे बड़ा पसंद था. सास बहू की नोकझोंक होती थी उसमें, and it was very nice. I think Sachin and his wife were only playing like themselves. They were playing husband and yeah, wife. Yeah, yeah, exactly. And हम पांच में यार, just हम पांच में talking about ahead of their time. Yeah. हम पांच में there was the first lesbian character on Indian television. Yes, that yes, woman. Yes, Vidya right. Balan थी उसमें. उसमें विद्या बालन थी. हाँ, उसमें विद्या बालन थी. She was the studio right. one, the second sister, I think, right. or something. And I still want to, I mean, उस राइटर ने जब वो सारे कैरेक्टर्स लिखे पांच बहनों के, राइट, इन द अर्ली 90s, nobody knew about homosexuality in India. Acceptance की तो बात ही छोड़ दो, आधे ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था होता भी क्या है. And he still took that risk and wrote that character. That guy, that woman liked women, right? But it was never explicitly said in the show, right? That's the beauty. बिकॉज उसका कभी भी लव इंटरेस्ट नहीं होता. बाकी बहनों का फिर भी लव इंटरेस्ट होता है, कोई ना कोई लड़का उनकी लाइफ में होता है. बट दैट वुमन हैड अ कैप ऑन, हैड अ हैट ऑन, वाज ऑलवेज इन अ शर्ट. ओह यस यस Yes, yes. I was trying to remember because मैंने देखा नहीं, but yeah, there was one character who was always dressed like very manly. Yeah, she manly. Yeah. So I never realized it. Yeah. She was like a she was kind of. इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि वो एक tomboy है, but she was not a tomboy. She was a homosexual. Wow. And they just that's because they couldn't say it, that's the beauty of writing. No, he knew that this is never going to float. If I openly make her a lesbian. Yeah. It is never going to get accepted, right? So I have to make her into a woman who wears men's clothes, who's like a tomboy. Yeah, main teko peet dungi and stuff like that, right? But a tomboy, if you're a tomboy, if you dress up like that for the rest of your life, right? Yeah. You like women. That's very true as well at the same time. So yeah, there were shows with they were really great. Ab kuch nahi aata hai. They're not a lot of good shows on television at least. नहीं बट बीच में एक दौर चला था. I remember जब I think this was around 7-8 years ago. एक मैगजीन के लिए मैंने वर्ल्ड प्राइड डे में एक फोटो शूट किया था इन विच आई वाज पोजिंग विद अ गर्ल लाइक अ लेस्बियन. लाइक वी वर डूइंग अ कवर शूट फॉर दैट सम न्यू मैगजीन. आई डोंट रिमेंबर द नेम एनीमोर. बट उसके बाद मुझे शांतनु लिटरली एक साल तक मुझे सिर्फ लेस्बियन कैरेक्टर्स ऑफर हुए थे. एंड नॉट गुड. आई डोंट माइंड डूइंग वन ऑनेस्टली. आई वुड लव टू इफ इट्स अ वेल रिटन वेल स्केच्ड कैरेक्टर. बट सब कुछ लाइक आइदर स्लीजी और वो बालाजी के बीच में नहीं आने लग गए थे बहुत सारे स्लीजी शोज. बहुत सारे बनने लग गए थे. बहुत ही बी ग्रेड सॉफ्ट पॉर्न ही था ऑलमोस्ट. आई नेवर डिड इट ऑब्वियसली बट आई वाज फ्रस्ट्रेटेड. उसके आई थिंक उस दौरान मैं एक साल तक लिटरली कुछ काम नहीं किया था. एंड देन आई गॉट मोना डार्लिंग आई रिमेम्बर एंड दैट काइंड ऑफ रोल्ड माय सेकंड इनिंग्स एट द टाइम. बट या दैट वाज सो बैड. एंड दे वर यूजिंग और बहुत सारी चीजें बन रही थी जिसमें लेस्बियन और गे कैरेक्टर्स बन रहे थे. बहुत सेक्सुअलाइज किया जा बहुत पर्वर्टिश रादर दिखाया जा रहा था. इट्स नॉट अबाउट सेंशुअलाइजिंग इट. इट वाज लाइक लिटरली पर्वर्टिश. लाइक यू नो यू वुडंट वांट टू डू इट. इट्स स्लीजी. सो या सो यू नो द शोज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वी डू एन एनुअल थिंग ऑन द चैनल. इट्स कॉल्ड लंगोट में विस्फोट अवार्ड्स. सो वी अवार्ड Good way Visport Award. Awards. So, I recognize some of the worst soft porn films made in the Indian industry. It's a whole parody of the thing. Like, it's one of the most hilarious things. Like, I don't laugh on a lot of jokes that I write on my own. But that's something that I enjoyed doing so much because the content is so bad. It's so bad. The sex scenes are so bad. That it can put you off from doing having sex for a year straight if you watch one of them. Wow. It's so bad. So that's what I missed out on. मतलब कम से कम एक रोल कर लेती मैं वैसा तो कम से कम तुम्हारे यहाँ वो अवार्ड मिल जाता मुझे. I'll send it. It's a thriving thing. It's Shilpa Shetty's husband only, no? Who started all of this. Like he was financing. Man. Yeah, the mask man. And itna confidence hona chahiye life mein. He came out with a film. Usko maine troll kiya tha. Like meri video ko zyada logon ne dekha hoga. Uski picture ko kisi ne nahi dekha hai.
लाइक माई वीडियो हैज हाफ अ मिलियन व्यूज ऑन इट. इतने तो टिकट कलेक्शन छोड़ो, राइट्स भी बेच देगा ना, कोई नहीं देखेगा उसको. एंड ही वॉज ट्राइंग टू एक्ट दैट ही इज अ विक्टिम ऑफ समथिंग. That was the funniest thing. And Shilpa Shetty was like, yeah. I never knew what was happening. Are you kidding me? A lot of his money was coming from that source. Like he was connected deep into UK. They had some shell companies operating in the UK where they used to launder this whole money from. There was a huge racket that was busted, right? And then he comes back crying on the stage in a press conference. Ki, mere parivar wala. And he's wahan pe bhi wo itni buri acting kar raha hai. Yeah, wahan pe sab hans rahe hain yaar media wale. अच्छा उसने खुद भी काम किया है वो सॉफ्ट. अरे हीरो है उसमें वो. नहीं नहीं उसने काम नहीं किया. नहीं नहीं उसने काम नहीं किया. उसने काम नहीं किया. ओ उसने भी किया ना. ओ गॉड आई थॉट ये तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है बॉस. सो हैड यू आर राइटिंग समथिंग आल्सो नाउ. आर यू राइटिंग अ स्क्रीनप्ले और समथिंग? या आई एम राइटिंग. आई थिंक यू आर अ गुड राइटर. यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ गुड शॉट. या आई होप सो. लेट्स सी हाउ दैट गोस. बट लेट्स सी. बाकी as long as we are doing what we love and it's fun. जो भी बोलो यार कितनी भी गाली दे दो मजा तो आता है. Like my one of my most favorite things is being on set. Like every day you'll have a story. Every day something funny would happen. True. Somebody will fuck up. Somebody will not fuck up. It's just like there was this one time. Okay, I'll not take names. But there was this one very very prolific director I was working with some 4-5 years ago. मतलब टीवी में बहुत बड़े हैं वो. उनका बहुत ज्यादा नाम है. कुछ 1000 एपिसोड से ज्यादा कर चुके हैं और वो फिल्म बना रहे थे और मैं उसमें एक पार्ट कर रही थी. वो फिल्म फिर कभी रिलीज भी नहीं हुई खैर. बट ही इज मेकिंग इट एंड एक एक्टर जो सामने था उस शॉट में पर्टिकुलरली ही इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर लाइक इन हिज 40s बट नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट लाइक वन ऑफ दोज हु हैज सर्वाइव्ड थ्रू टीवी सीरीज. नॉट अ ग्रेट एक्टर आई वुड से. एंड शॉर्ट पे शॉर्ट हुए जा रहे हैं उनसे. हो ही नहीं रहा शॉर्ट पे शॉर्ट हुए जा रहे हैं एंड उसको समझ ही नहीं आ रहा. वो उनको माइक में बताए जा रहे हैं ये ट्राई करो ये ट्राई करो. ही इज डूइंग आई थिंक ही इज नॉट फीलिंग इट और इट वाज वन ऑफ दोज ऑफ डेज फॉर हिम. आई डोंट नो ही वाज जस्ट नॉट गेटिंग इट. एक पॉइंट पे द डायरेक्टर गेट्स अप और ऐसे ना लिटरली भाग जैसे पडल्स को आप अवॉइड करते हुए नहीं जाते हो ऐसे कूदते हुए. एक पैर इधर रखा फिर एक पैर इधर रखा ऐसे एक्शन करते हो ना उसके पास गए कान में कुछ कुछ बोला उसको एक एक्शन दिखाया. आप यहाँ से चल के आओ ऐसा करो इधर इधर काम करो यहाँ इसको स्माइल करके बोल दो इस पर्टिकुलर लाइन को इसको ऐसे वो समझा. फिर वापस ऐसे पडल्स को अवॉइड करते हुए गया और स्क्रीन के बाजू में बैठ गया और शॉट लिया. और सरप्राइजिंगली आई डोंट नो इट वाज अ मोमेंट ऑफ व्हाट बट शॉट हो गया फाइनली. यू आर लाइक चलो शॉट चेंज अब हो गया ये सीन डन कट इट्स गुड इट्स अ गुड शॉट. तो हो गया सब अपना शिफ्टिंग करना शुरू कर दिया सबने. एंड देन एक्टर केम ऑब्वियसली टू द मॉनिटर एंड द डायरेक्टर एंड ही वाज लाइक सर आप ऐसे क्यों आए मेरे पास. एट दैट टाइम ही वाज टू फ्लस्टर्ड. उसने पूछा नहीं व्हाट इज ही डूइंग बट आया तो ही वाज लाइक तूने इतना जो हग दिया था ना सीन में वही अवॉइड कर रहा था. बस लाइक बट द डायरेक्टर्स आर मोर इंटरेस्टिंग समटाइम्स एंड मोर फनी देन द एक्टर्स देमसेल्फ एंड इट्स फन टू वर्क विद यू नो इवन ऑन द बैड डेज दे आर नॉट दैट बैड एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ या या आई थिंक सो यार. आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी अ यूट्यूबर एंड देन दिस राइटिंग अपॉर्चुनिटी केम माय वे राइट. ओके so I'm just I never say never wala scene right. I would do just about anything right now. It's just the start of maybe a career into writing. And you should I think you should someone like you should definitely give it a shot. Like I think it should work. Acha since you have this let's say lineage of Russian Ukrainian lineage you come from, what do you think about the whole the thing that's going on? See, my lineage is such that my Nanaji was from Siberia, which is in Russia, close to Russia and more considered as the Russian part of the USSR. And my Nani was from Ukraine. And my mom was born and brought up in Ukraine, but she never spoke Ukraine. Like, she knows the language, but she always spoke in Russian. Ko pasand bhi nahi tha ya kya tha, but she had a preference for Russian. She grew up. She's now a YouTuber, by the way. She vlogs. Basically, she has a Russian channel of her own that she does for Russian people. Obviously, it's in Russian, so it's of no use for us. So I won't promote it here. But anyway, but most of my relatives are back in Ukraine, and all the women have, although they've migrated, most of them have migrated outside the country, mostly in Poland. Right. They are in, some of them are in Greece, a few of them are in Switzerland. But the men, like my cousin brother, who's a doctor, is fighting the war.
एंड आई नो माई फ्रेंड्स हु आर लिटरली हाइडिंग देयर हस्बैंड्स. दे हैव नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउस फॉर द लास्ट टू इयर्स, क्योंकि आपको रास्ते में अगर एक आदमी मिल गया सीधा पकड़ लेते हैं, आपको रजिस्टर करने लग जाते हैं कि भाई उस पे जाओ वॉर करो. So and they have like small babies, they don't know if their husband will come back alive, so they're literally hiding their husbands in their houses because you know it's just too dangerous for them to step out. I was recently video calling one of my cousins back home, and during the video call I could hear a bomb blasted somewhere, because I am from Zaporozhye aur wahan se 14 kilometers dur chal raha hai war basically. Jo sabse zyada affected area is just 14-20 kilometers away, so you can literally hear everything that's going on from time to time. Aur pehle to log fir bhi bhag bhag ke basement mein jate the, ab logon ne give up kar diya hai. They are like marna hoga to वैसे ही मर जाएंगे, और वैसे भी कोई भी time पे कुछ भी होता है, we are just fed up of trying to save ourselves. Right. So people are just going about it. Kids who are growing up in this day and age, for them it's fun, it's exciting. They think this is the way we live. Like my little nephew who's 2 years old there, जिसके dad basically doctor है, and he is and I would say one thing, although, you know, I understand it's a political war at the end of the day, but pista aam insaan hai. Exactly. And at the end of the day, invade ho rahi hai Ukraine. So, barbaad ho raha hai wahan ka infrastructure, khatam ho rahe hain wahan ke log. So, main kitna bhi try kar lu bolne ka, my heart would go out to Ukraine any day. Any day. Because it's not easy and it's been more than 600 days, Shantanu. Right. 600 din se zyada ho gaya, khatam hi nahi ho raha, it's just going on. Right. And although, like, you know, my brother, every time I talk to him, he sounds very determined, and you know, he sounds very enthusiastic also during our conversation. But samajh mein bhi aata hai, uski chehre se dikh raha hai, thak gaye. Everybody is just exhausted, because in this 1 year, all you get is 30 days off. और वो भी एक साथ नहीं मिलते आपको. पांच पांच दस दस दिन के पॉकेट्स में आपको टाइम मिलता है कि आप एक बार जाके, अगर वो भी अगर फैमिली अभी भी देश में है और जिंदा है, तो आप जाके मिलके आओ उनको. अदरवाइज दे आर कॉन्स्टेंटली लाइक लिविंग इन देयर फॉरेस्ट, इन देयर बंकर्स, वेयरएवर. एंड नॉट दैट आई वुड से दैट द कंट्री वाज डूइंग ग्रेट बिफोर दैट. ऑलरेडी यूक्रेन में बहुत करप्शन हो रहा था, बिकॉज बहुत ज्यादा हो रहा था. मतलब मैं जब 2019 में लास्ट टाइम गई थी यूक्रेन, तो देयर वाज दिस ब्रिज जो कनेक्ट करता है एक आउटसाइड ड्नेपरपेत्रोव्स्क करके एक जगह है बाजू में, वहां जाने के लिए यू हैव टू क्रॉस दिस रिवर ड्नेपर, व्हिच इज द मेन रिवर ऑफ दैट रीजन. तो वहां पे एक ब्रिज है जो मैं जब 2004 में लास्ट टाइम गई थी तब बननी शुरू हुई थी. अभी तक नहीं. इस बार जब मैं 2019 में गई, आफ्टर 15 ईयर्स, वो उतनी बनी हुई है, आगे कभी बनी ही नहीं वो. Right. तो पैसा है ही नहीं, और वहां पे जो पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, ऑलरेडी उसके पहले से काफी माइग्रेट करने लग गए थे. अगर आप रस्ते पे चलोगे ना, आपको 40 ईयर्स 50 ईयर्स के लोग दिखेंगे, या तो उस एज के ऊपर, या तो एकदम बच्चे दिखेंगे. जो टीनेजर्स और जो यंग 20s के लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव माइग्रेटेड अब्रॉड, बिकॉज देयर वर बेयरली एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू मेक मनी. मेक्स सेंस. सो इट वॉज नॉट, I wouldn't say it was like a haven before this started, but still, they didn't deserve it, and it's hard. Like my brother, who was a doctor, and he was like top of his class. He was an infectionologist, and वो hospital की shift पूरी करता था. कुछ 10 घंटे की shift होती थी जब मैं वहाँ रह रही थी. मैं तब की बात बता रही हूँ क्योंकि मेरी आँखों देखी है. उसके बाद वो 2 supermarkets में काम करता था. उसके बाद shift खत्म करके वो supermarket में जाके cashier बन के बैठता था. Because his salary as one of the top doctors in the country was less than $200 a month. Damn. मतलब it's crazy. Like India में आप imagine भी नहीं कर सकते हो. गंदे से गंदे doctors भी मतलब हफ्ते में उससे ज्यादा कमा लेते हैं. This is India. पुतिन सरकार ने भी तो यही pretext दिया था ना, that Ukraine is riddled with corruption and we'll liberate them from this corruption and stuff like that. But that's like you said, it's a political war, right? You have family there, you have lineage coming from there, you have a 2-year-old kid, a nephew, right? Like he thinks that getting bombed on is a regular thing in our life. Usse bahut maza aata hai. It's like, you know, every time he hears it, he gets excited. Yeah. That there's a bomb. And, oh, wow. And just like you're saying, your brother, he has no other option just to be positive. He cannot escape the country. They would not let him go. Right. And if he doesn't want to, even if he had the chance, he doesn't want to. Unke andar abhi itna zyada aa gaya hai na ki hume apna desh bachana hai. Exactly. वो,
उसको लगा नहीं था ये 2 साल चलेगा, और ये 2 साल इसलिए टिक पाया बिकॉज वहां वो लोग सिर्फ इन्वेट करने के लिए सोल्जर्स अपना काम कर रहे हैं, रशियन सोल्जर्स अपना काम कर रहे हैं, ये लोग अपना देश बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं, राइट राइट। वो एक बहुत बड़ा यू नो डिफरेंस है दोनों में। और रशिया में तो वो भी कितनी जबरदस्ती का हो रहा है, लाइक उनके भी, क्योंकि बिकॉज सो मेनी सोल्जर रशियन सोल्जर्स हैव आल्सो लाइक डाइड। रशिया की तो हिस्ट्री है ना, रशिया की तो हिस्ट्री है, दे थ्रो देयर मेन इन द वॉर। या और अभी तो ये चल रहा है प्रिजंस में, शांतनु लाइट वाइट काट दिए इतनी ठंडी में, रशिया में अभी -40 degrees चल रहा है, वहां पे प्रिजंस में उन्होंने लाइट काट दी है, उनकी हीटिंग सब काट दी है बिकॉज उनको वॉर पे जाने बोल रहे हैं और वो लोग जाना नहीं चाहते, तो उनके वो काट दिए हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे तुमको तो भेजेंगे हम टाइप्स। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ डेटा एंड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स जस्टिफाइंग रशिया स्टैंड, राइट, व्हिच इफ यू स्टार्ट रीडिंग यू वुड बी लाइक फेयर इनफ, दे आर डूइंग द राइट थिंग, देन यू रीड अबाउट यूक्रेन एंड व्हाट्स हैपनिंग विद द पीपल देयर, राइट, देन यू वुड बी लाइक, सो द थिंग इज दैट us being spectators of this war, I think you are actually the only first person I've met. I have Russian friends here also. I have a friend at my gym. He's from Moldova, right? Okay. Moldova, tha, former USSR, right? But he has been in Canada for the past 20, 30 years now. So he's like, I have family there who's fighting the war just like you have. But again, in Ukraine, right? Okay. So he is from Moldova, but his some third or fourth cousin is in Ukraine. They got trapped there. They were supposed to come to Canada, but the war broke out. The government is not letting them go. Men can't leave now. 18 to 16 Yeah, men cannot leave. Year old. Yeah. You cannot leave. So they're stuck there now. So, but he's telling me that no matter how much we discuss this thing, it's only going to boil our bloods, right? It's only going to boil our blood because at the end of the day, this discussion we'll have on a dinner table, then all of us will go back to our jobs. Yeah. And the people who are getting killed there will get killed there. So it's such so bad. The same things happening in Palestine and Gaza too, right? Children, and the heat kids is are off from Russia massive. Because ये चल रहा है. अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जहां जहां पे अमेरिका गया है, वेस्टर्न ब्लॉक ने अपना अपना रोल प्ले किया है, जहां पे दे हैव कंप्लीटली डन वॉर्स, राइट? यूएसए उसकी इंडिपेंडेंस में फॉर मोर देन 50 इयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस यूएसए हैज बीन एट वॉर, एट अ प्रॉक्सी वॉर, इफ नॉट एट एन एक्टिव वॉर, इट हैज बीन एट अ प्रॉक्सी वॉर विद मल्टीपल नेशंस. Because it's their business. Their biggest their business is ammunition. Yeah, weapons. Yeah. Weaponry is the biggest, is their economy, right? So yeah. A lot what's on one side, if you look at Russia, it's the only tall stand against the Western bloc, right? But on the other hand, it's committing human rights crimes in Ukraine, right? Kids are dying. Jaise bolte hain, gehun ke saath dhun bhi pista hi hai. लोग कहते हैं वॉर क्राइम्स, एक बम गिरता है, वो कहते हैं हमने 10 टेररिस्ट को मारने के लिए मिला लेकिन गलत जगह गिर गया, वहां पे हॉस्पिटल था. Like for example, I'm saying, right? So, bystander जो eggs लेने निकला है, अपने घर से दूध लेने निकला है, there's a bombardment going on like 10 feet away from him, he doesn't know, and a stealth bomber bombs him and he dies. So, this is something that we'll all feel bad about. You can be as vocal as you can. I have Muslim friends who've been speaking about Palestine on Instagram. Their reach has been completely wiped off, right? So, it's so bad. Like, no matter how much we discuss about this thing, there's not one thing that we can do or not one thing that a conclusion that we can come to. Yeah, right? At the end of the day, if something happens, right, then even your family, you know this, tomorrow morning you can get up and you would probably get a news that you should never get in your life. Right? Touch wood, no, yeah. Yeah, touch wood. That's what I'm saying. It's so bad. I have a friend at my gym. His family is from, his dada is in Gaza, right? And it's the same thing happening with him. He's like, every morning we wake up, if he does not give us a call, we completely figure out that he's gone any day. So I'm like, I don't even have anything to say that because we are privileged enough. When you look at all the things that your family is going through in Ukraine, with people going through in Gaza and Palestine, we are privileged enough that we can sleep in peace and we are promised a tomorrow. These guys are not promised a tomorrow. Yeah. And I remember bachpan mein jab main Ukraine jati thi, wahan se wapas aate waqt na mujhe itna rona aata tha. I used to tell mom, why don't we live here? Hum India mein kyun rehte hain? Tab mujhe India itna kharab lagta tha. Now I feel that was the best decision my mom ever made. Because the way India is booming right now. Like, anybody who migrated from USSR, right? Anybody like your mom who migrated 20 years ago from the Eastern Bloc, they made the best decision. Everybody I meet who's from disintegrated USSR, they say that they thank their parents that they left.
I have never met a very happy Russian, to be very honest. I've never met a very happy Russian in my life. No, I have. I haven't. At least as far as I've lived in Canada, I come across a lot of multicultural people. I have only probably met like 10-15 Russians, like, and worked with a couple at my workplace when I used to work. But none of them were like very happy, and none of them were very eager to go back if their family moved. See, that perception is so different because of Russian complex. My memory of Russians is they really know how to have fun. They really know how to celebrate everything. They do. But like, they do not want to go back. The Russians who migrated, they would never go back. That's what I'm saying. That's true. And Russians are very successful too. Even with NRIs in USA, I saw like there's been an influx of a lot of Indians coming back who've been there for more than a decade living in USA. Like, especially in the last 2 years, I've seen. Ek aur meri bahut hi achhi friend wapas aa rahi hai ab. And most of them are coming back and getting very good jobs here. I don't know. Something is happening in India that people are actually finding opportunities. No doubt, India is becoming, it's rapidly growing, right? A lot of people are coming back. But people who come back from USA are basically because of two reasons. One is there, you cannot get a green card in 10 years. It'll take you up to 15, 20 years to even get a permanent residency, right? And then the second thing is a lot of these people who are coming back, they were on work visas here. And a lot of things are getting outsourced to countries like India, right? So they are getting the work done with cheaper prices. So they are firing their people who are here. Why would a company sponsor and pay you $100,000 a year when they can done the same thing overseas for $50,000 a year? So unka visa renew nahi hota, they'll come back. But a lot of people from Canada also. Canada, I have been here for 5 years now. Yahan pe bahut mehenga hai rehna. A lot of people don't understand this. It's as expensive as Singapore. Canada is fucking my American friends, when they come here, they are like, how do you even live here? Like, for 50 GB data, I pay nearly $70. Like, 3,500-4,000 rupees. Yeah, 50 GB data. I'm telling you. Oh my God. The housing here is one of the most expensive housing in the world. One of the most. In fact, I and my wife are planning to move to Texas in the US just because we can get a way bigger house than what we have right now in about the same amount of money. And we'll go to the US. So we are in the middle of planning that probably we would move to the US or not. But we don't know. Right. Imagine US being more expensive. US is Canada. More affordable. US housing wise, food wise is more affordable. Canada mein log bhi kam hai na yaar. Log bhi kam hai and it's going through. Aur thand bhi to kitni tumhare to thand bhi aisi padti hai kuch bhukta bhi nahi hoga kuch. Nahi yaar aisa nahi hai. I think you have seen the eastern thand too many in the Ukraine. Like aisa hai nahi, to be honest. The place that I aisa hai nahi, there is. Of course, it's Canada. The sub-zero mein jayega hi temperature, but that happens like for a month in the entire year, like 2 months, right? But it's not ki yahan pe zindagi ruk jati hai. Everything goes. Where I live is like the Switzerland of Canada. I live in Calgary, Alberta, right? Summers are so beautiful. Half of the US is here for the entire summer, right? Mountains. Okay. There's a river right behind my backyard. Yeah. There's a river right behind. I think I've seen it in one of your stories or something. I go there regularly for a walk. It's right behind my backyard. So summers are very beautiful. So a lot of people have different perspectives who migrate, right? I migrated. Yeah. I come from a very, very, I have never seen riches in my life, right? For most part of my life, I lived in such a small house that I slept on the floor till the time I was 25. Like, we never used to have enough space for 4 people to cram into a house, right? So that's where I come from. So that's one thing that drove me always. Whatever I'll do it with all I have. And I wanted a big house, I got myself a big house. I wanted a sports car, I'll get myself a sports car. So that's how my brain functions. It's no way for me that I would go back. If I would come to India, I need to make enough money. अगर मैं 4 लाख रुपए खर्च करने के लिए आया हूँ यहाँ पे एक महीने के लिए, तो अगर मैं 8 से 10 लाख रुपए नहीं बना रहा, it doesn't make sense for me to come. Exactly, yeah. So it depends. A lot of people come from privilege, they go get into colleges here and then they think कि भाई अपने बर्तन अपने आप साफ करने पड़ रहे हैं, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, तो they get into a problem. But अब आदत पड़ गई है ना तुम्हें? You're used to all the household. See, these things were never a problem for me.
फाउंडर ऑफ दैट एंड अनदर गाय वॉज देयर राइट सो व्हेन इट गॉट पॉपुलर विद इन अ ईयर आई लेफ्ट बिकॉज मेरी परमानेंट रेजिडेंसी आ गई थी देन आई लेफ्ट एंड फॉर वन ईयर इन 2019 आई वॉज कंप्लीटली ऑफ यूट्यूब आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग I was only on Instagram. Okay. And then my wife was like, why don't you start it? Then I started it and it blew up overnight. Within one day, we had 10,000 subscribers. Wow. Within like 7 months, we had 100,000. Wow. So I thought that a lot of people are waiting for my content, right? So then is when I took it seriously. Aur abhi maine apni job chhodi and now I've turned a full-time YouTuber. I always had my job. So, wow, but that's amazing. That's amazing. Yeah, that's YouTube पे तो मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ. एक life coach है. उसके मतलब 2 साल से 200 ही subscriber हुए. It's a funny place, yeah. YouTube is very dangerous at the same time as well. But Susanna, it was lovely talking to you. Yeah. It was so fun talking to you. I never felt like we were talking for the first time, right? Actually, it didn't. Also, I think we have some connect that we'll talk about once we are done with this podcast. But there is a little connection because of which I knew about you a little bit. I had an idea where you come from. You didn't know that. I knew that. Yeah, because when your channel started, we had a conversation about you a long time back with that common friend that we have. So, that's how I knew that a person like this exists. And now you're sitting with him. Wasting your time. Absolutely, Chalo, thank you so much for coming. Thank you, Susanna. We'll sign off from here. And we gotta do it something like this. Like this.